हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? विशाखा जी कह रही सर प्लीज स्टार्ट कर दो। बेटा कर दिया स्टार्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बताएंगे फटाफट। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चेक चेक दोस्तों, ऑडियो वीडियो क्लियर। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, यस लक्ष्मी जी यस कह रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। भूमिका जी हैं, प्राची जी हैं, सुहादीप विश्वास जी हैं, हिमांशु जैन जी है, गुड मॉर्निंग क्रिश, प्राची, कश्यप, अर्नब, विनीत त्यागी, संदीप सिंह, शेडो गेमिंग, लखन जगताप, रोहित शर्मा, विशाखा, भावेश, राहुल दलवानी, आदित्य कुमार, ऋषभ ऋषि, गौतम लाट, अक्षय, ICAI भी देख रहा है मेरा लेक्चर, अनन्या जी, अश्मित कौर बेबो, करीना कपूर भी हैं, ठीक है, विनीत जी, महाती जी, पंकज सिंह। चलिए उम्मीद करूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, उम्मीद करूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है। वाह जी वाह, 456 की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। आंकड़ा बढ़ते जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर सितंबर वालों के लिए मैराथन आएगा। हाँ पहले बेटा इनको संभाल लें, फिर आप लोग को भी संभालेंगे। जय श्री कृष्ण जी। चलिए शुरू कर ले दोस्तों। ऑल द ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ आ जाइए फटाफट, आ जाइए, आ जाइए। किसी को फ्रंट बेंच में बैठना है तो फिगर आउट कर रही जगह कहाँ बैठना है करके, वो आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ कर रहे बेटा स्टार्ट। ये लोग सेटल हो रहे बेटा ऑफलाइन वाले। क्या बारिश अच्छी खासी थी सुबह सुबह? तो भागते दौड़ते खतरों के खिलाड़ी बेटा बन के आए। आ गए सारे ऑफलाइन स्टूडेंट? जो जो नहीं आए हाथ उठाएंगे बेटा। आ गए ना सारे? कर ले स्टार्ट। ओके, प्रोजेक्टर सबको दिख रहा है? मैं भी सबको दिख रहा हूँ। ओके लेट स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ? अरे कर दूँ रिकॉर्डिंग ऑन, तुम्हारे को बैकअप में मिलेगी ना। ऐसे ये सब थोड़ी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुमको बैकअप में देंगे, बरोबर है ना? चलिए फाउंडेशन से कौन कौन वाले हैं जो फाउंडेशन पढ़े हैं? एक तो दिख रहा है फाउंडेशन वाले हाथ उठाएं, ठीक है। ऐसा जो फाउंडेशन में नहीं था डायरेक्ट आ गया है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एंट्री वाले हो आप लोग। ऐसा कोई जो आज डेमो लेक्चर देखने आए हैं? नो डेमो, सब एनरोल करवा के आए हैं, क्या बात है यार। चलो लेट्स स्टार्ट। यस वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, बेटर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट दोस्तों। आज हमारे लॉ का पहला क्लास है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने बारे से। वैसे तो आप सब मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है, मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने LLB भी किया हुआ है और मैं LLM भी किया हुआ हूँ। जस्ट इन केस किसी को LLB और LLM के बारे से ना पता हो, तो LLB इज़ बैचलर ऑफ लॉस एंड LLM इज़ मास्टर ऑफ लॉस। जैसे BCom होता है फिर MCom होता है, तो MCom में आप मास्टरी करते हो, तो वैसे ही LLB में आप सारे लॉस पढ़ते हो, फिर LLM में आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लॉ में मास्टर्स करते हो। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के अंदर अपना LLM किया है, एंड यही कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है मुझे कि सर वाई यू फॉर लॉ, आपसे लॉ क्यों पढ़ा जाए। तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ कंपनी लॉ। मतलब मोटा पार्ट तो कंपनी लॉ का ही है, 11 चैप्टर आपको कंपनी लॉ के हैं, बाकी कुछ अदर लॉज है। तो जब भी मैं अपने CS एग्जीक्यूटिव में था तब मुझे इसी सब्जेक्ट में 88 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, बरोबर है। दूसरी बात आती है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा मेरे पास दो लीगल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि LLB हो गया और LLM हो गया। तो
तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बैकग्राउंड मेरा क्या है, लॉ का। बचपन से ही लॉ पढ़ रहा हूँ, लॉ ही खा रहा हूँ, लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, वो चल रहा है, बरोबर है क्या। अब बात आती है कि सर LLB और LLM में हमारा क्या लेना देना, हम तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आए हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा वो राइटिंग प्रैक्टिस का एक हाइप चल रहा है मार्केट में, एक फियर कि सर लॉ पढ़ तो लेते लेकिन लिखना नहीं आता, तो हम LLB में और LLM में दोनों ही जगह हमको भर भर के राइटिंग प्रैक्टिस सिखाई गई है। बड़े बड़े केस देते थे उसमें जजमेंट देने बोलते थे, तो जजमेंट राइटिंग हमने बहुत सारी भर भर के की है। तो ये तो मैं तब से करते आ रहा हूँ जब मैंने अपनी LLB और LLM की थी, पढ़ाने के बाद तो अपन ने बहुत उसमें लहर लगा दी थी, बरोबर। तो जो आपका सबका पहला पॉइंट रहता है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो ऐसा कोई बिल्कुल बात नहीं है। तो अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो पूरा लॉ का बैकग्राउंड है। आप मुझे कोई भी मोमेंट में कोई सा भी केस स्टडी ला के दो, कोई भी मैटर में लीगल नोटिस भेजने बोलो, मैं इमीजिएटली 10 मिनट में उसको ड्राफ्ट करके हाथों हाथ आपको दे सकता हूँ, क्योंकि वो उतना अपन ने जिया हुआ है, उतना अपन ने किया हुआ है। इज दैट क्लियर दोस्तों? ठीक है, ये मेरे बारे से हुआ कि सर आपसे क्यों लिया जाए, ये मैंने कुछ आपको बातें बताई। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं पेशे से टीचर हूँ और साथ साथ में लीगल कंसल्टेंट हूँ, यानी कि मैं वकालत तो नहीं करता जाके काला कोट पहन के कोर्ट पे, बट हाँ मैटर्स मेरे पास जब आते हैं तो मैं कंसल्टेंसी ज़रूर करता हूँ, सिविल का थोड़ा सा ज़्यादा, क्रिमिनल का थोड़ा सा कम। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की, कॉरपोरेट एंड अदर लॉस। कॉरपोरेट एंड अदर लॉस के अंदर आप जैसे देख पा रहे हो दो हिस्सों पे डिवाइडेड है, जैसे मॉड्यूल पे बांटा गया है दो हिस्सों पे, उन्हीं दो हिस्सों में मैंने भी इसको बांट के रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट टू। पार्ट वन में अगर आप देखोगे तो लिखता है कंपनी लॉ एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी लॉ वाला पोर्शन जो है और साथ में जो पार्टनरशिप लॉ है उस पर टोटल अगर आप देखोगे तो आपको 12 चैप्टर है। कैसे 12 चैप्टर बैठते हैं? सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10, एज इट इज, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर 1 से 10 है, वो पूरा का पूरा आपको सिलेबस है। ये हुआ एक, इतना ही था पहले कंपनी लॉ में। आपको जब न्यू सिलेबस आया तो इस पे कंपनी लॉ का एक चैप्टर और ऐड किया गया, चैप्टर नंबर 11, जिसको बोला जाता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हेलो, एक्ट के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 22 है। किसके हिसाब से? एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 22। बट आपकी मॉड्यूल पे ये किस पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 11 पे। और जो 12वां चैप्टर है उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? कान वाला सुना कि खाली वाला सुना? कान वाला। जितना आपने LLP को फाउंडेशन में पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे ये है। और फाउंडेशन में अगर आपको ख्याल होगा तो इसका वेटेज 5 मार्क्स का था, यहाँ पे इसका वेटेज 5 मार्क्स का नहीं है, अराउंड 10 मार्क्स का आता है ये अकेला चैप्टर। तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि फाउंडेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें इस पर ऐड की गई है। टोटल कंपनी लॉ और LLP मिला के कितने चैप्टर हो गए? टोटल कंपनी लॉ और LLP मिला के कितने चैप्टर हो गए? 12 हो गया। अब आता है आपके पास कौन सा वाला पोर्शन, अदर लॉस। अदर लॉस के में अपने पास 3 चैप्टर है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्लियर है यहाँ तक? 15 चैप्टर। मेरी क्लास का नियम है कि जब मैं शुरुआत करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू करता हूँ और सीक्वेंस में पूरा चलते चलते चैप्टर नंबर 15 तक जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अपन पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं फिर अपन सीधा चैप्टर 4 पे जा रहे हैं फिर 6 पे जा रहे हैं फिर 8 पे आ रहे हैं। इवन अदर लॉज भी जब मैं शुरू करूँगा तो पहले मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फिर क्या रहेगा अपना फेमा, यानी कि सीक्वेंस वाइज चलेंगे। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे तो लड़ लगाते हुए लास्ट तक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 तक। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बातें? अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें आते बोलो, कोई बताना चाहेगा कितने मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव? 70। MCQ कितने मार्क्स का? क्या माइनस मार्किंग होती है? थोड़ा सा इसका बाइफर्केशन समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का है, 70, और MCQ कितने मार्क्स का है, 30। तो अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे कॉरपोरेट लॉ, ये डिस्क्रिप्टिव में 49 मार्क्स का आता है। कैसे? 70 मार्क्स में से तो 30 मार्क्स क्या है, MCQ। तो 70 मार्क्स में से 70% करोगे तो 49 मार्क्स का आपको क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है? और यहीं पे अगर मैं MCQ में जाऊँ
तो भैया 70 मार्क्स का मैं 30 टक्का करूं तो 21 मार्क्स के क्या आएंगे एमसीक्यू। तो क्या आपको क्लियर हो रहा है, कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स में से आपको 49 मार्क्स का क्या देगा डिस्क्रिप्टिव और 21 मार्क्स का क्या देगा एमसीक्यू। यही अगर मैं अदर लॉ पे आता हूं तो भाई 30 मार्क्स का अदर लॉ आता है लेकिन उसमें 70% क्या रहेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि 21 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा किससे अदर लॉ से और 9 मार्क्स का आएगा आपको एमसीक्यू किससे अदर लॉ से। ऐसे मिला के टोटल आपका यहां पे ये 70 बैठ रहा है और यहां पे कितना बैठ रहा है 30। क्लैरिटी है, आर यू श्योर? यहां से ख्याल आता है मुझे कि जैसे कि आपने बताया कि भाई एमसीक्यू है, माइनस मार्किंग नहीं है, आपको जस्टिफिकेशन भी नहीं देना, रीजन भी नहीं देना है कि आप ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला आंसर क्यों टिक कर रहे हैं। क्लियर है? अरे है, यहीं से बात याद आती है मुझे कि एमसीक्यू बुकलेट आप सबको मिली होगी हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4 बुक है हमारे पास, मैं बुक के बारे से भी चर्चा करूंगा। एमसीक्यू में इतना ज्यादा फोकस रखना है, इतना ज्यादा फोकस रखना है, इतना ज्यादा फोकस रखना है कि क्या बताएं कितना ज्यादा फोकस रखना है। समझ में आ रही बात? अगर भगवान की कृपा रही और आपने जय माता दी बोल के 30 एमसीक्यू जब सॉल्व किए और 30 के 30 अगर सही हो गए, 15 बोल लो अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप सोचो 30 मार्क्स तो यूं ही आपके पॉकेट में, अच्छा एकाद गलत भी हुआ तो माइनस मार्किंग तो है नहीं। अरे है क्या? नहीं है ना। अब बचे वाले 70 में से आपको कितने लाने हैं 20, तो गिरी सी गिरी हालत में 20 तो आ ही जाएगा। बराबर? क्या आप सबको एमसीक्यू बुकलेट मिली है? बराबर। उस एमसीक्यू बुकलेट के अंदर हमने कितने मॉडल टेस्ट पेपर डाले हैं 22, यानी कि इंस्टीट्यूट जिस पैटर्न में आपको एमसीक्यू पूछता है वैसे ही पैटर्न के 22 मॉडल पेपर डाले हैं एंड साथ साथ में आपके मॉड्यूल के हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू है वो भी उसके अंदर है और वो सारी चीज़ हम क्लास पे ही सॉल्व करेंगे। यानी कि सर वो अगर अच्छे से कर लिया तो मोटा मोटा पास होने की हालत तो वहीं से बन जाएगी 30 मार्क्स के एमसीक्यू बुकलेट से। क्लैरिटी है यहाँ तक? क्या रीज़न देना ज़रूरी है? अरे क्या रीज़न देना ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? एमसीक्यू के लिए। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। केस स्टडी बेस्ड भी आएगा और कैसे आएगा? डायरेक्ट। अब बात आती है किसकी? मटेरियल्स की। कितनी मटेरियल्स है अपने पास टोटल? 4। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 1 से 10 हमारे वॉल्यूम नंबर 1 पे रहेगा, कंसेप्ट प्लस चार्ट बुक। किसने किसने मटेरियल लेके आया हुआ है आज? लेके आए हो ना, गुड। बाकी लोग क्या बोले? आज पहला है, भूमि पूजन है, आराम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? वॉल्यूम नंबर 1, यही वाली है ना सबके पास, किसी के पास अलग तो नहीं आई है। इस पे टोटल कितने चैप्टर मिलेंगे अपने को? 10 चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10। यानी कि सर ये बात क्लियर है कि इनिशियल डेज जब अपन लेके आ रहे हैं तो हम कंसेप्ट बुक का वॉल्यूम नंबर 2 नहीं लाएंगे। वॉल्यूम नंबर 2 हम कब से लाएंगे? जब हमारा 10th चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। तो अभी इनिशियली आज से ही, आज कोई नहीं लाया तो इट्स ओके, आने वाले समय से आपको सबसे पहले अपने साथ क्या कैरी करनी है? वॉल्यूम नंबर 1। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको काउंसलिंग के वक्त बताया था कि इसके अंदर आपको हर सेक्शन के पहले क्या मिलेगा? चार्ट एक्सप्लेनेशन। हर जगह भर भर के एग्जांपल डाले हुए और चार्ट एक्सप्लेनेशन के बाद डिटेल्ड प्रोविजन है, वो भी पॉइंटर्स पे टूटे हुए। तो यही आपकी ग्रंथ है, इससे ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, इससे ही आपको एग्जाम में पढ़ना है और आगे निकलना है। अब बात आती है सर इसके साथ साथ डिटेल के साथ साथ क्लास में शॉर्ट नोट्स बनेंगे? द आंसर इज यस, एक एक सेक्शन के अपन शॉर्ट नोट्स बना के लेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? वॉल्यूम नंबर 2 आप कब से लेके आएंगे? चैप्टर नंबर 11 से। क्लियर है यहाँ तक? ये उसके कुछ फीचर्स है। मैं आगे आता हूँ किस पे? क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक भी आपको साथ में लेके आनी है। हेलो, क्या क्वेश्चन बैंक का वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 है? नहीं। तो आप एक लेके आओगे वॉल्यूम नंबर 1 और साथ में क्या लेके आओगे? क्वेश्चन बैंक। इन दोनों ही वॉल्यूम का इस्तेमाल आज से ही शुरू हो जाएगा, बट इट्स ओके, आज पहला दिन आप नहीं लेके आएंगे, इट्स ओके। तो अपने पास साथ में क्या है? क्वेश्चन बैंक। मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन बैंक में हमारे पास मई 18 से लेके कहां तक बोलू, मई 2024 जो लास्ट अटेम्प्ट गया है वहां तक के अब तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे के सारे उस क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है। क्लियर है यहां तक की चीजें? सवाल आता है सर मई 18 के पहले के क्वेश्चन आपने क्यों नहीं डाले उस पर? तो आपको पता होगा मई 18 के पहले सीए इंटरमीडिएट नहीं था, वो क्या था? सीए आईपीसीसी, और सिलेबस क्या था? अलग। तो जब से आप वाला सिलेबस आया जो आप पढ़ रहे हो वहां से इंटरमीडिएट से अपन ने सारा डाला। ये तो हो गए सारे पास्ट एग्जाम के कौन से पेपर हुए,
अब इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में आरटीपी देता है, वो भी इसके अंदर है। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के अंदर क्या देता है, एमटीपी। अगर किसी अटेम्प्ट में दो एमटीपी रिलीज हुई है, दोनों एमटीपी के क्वेश्चन है। किसी अटेम्प्ट में तीन एमटीपी रिलीज हुई है, तो तीनों एमटीपी के क्वेश्चन इसके अंदर है। यहां तक की चीजें क्लियर है। साथ साथ में इसके अंदर मैंने 23 माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन डाले, ऐसे घुमाऊदार वाले, जो इंस्टीट्यूट के रिपोजिटरी पे नहीं है, वो आपको अलग से दिए गए हैं कि इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, झींगा लाला। क्लियर है? तो आप इनिशियल डेज में, यानी कि आज से ही, आज नहीं तो कल से, दो बुक तो कंपलसरी अपने साथ कैरी करेंगे। पहला कौन सा है, वॉल्यूम नंबर 1, और साथ में क्या कैरी करेंगे, क्वेश्चन बैंक। बरोबर है? एमसीक्यू बुक के लिए मैं आपको बताऊंगा जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन अपन एमसीक्यू करेंगे, तो उस पर्टिकुलर दिन बस आपको एमसीक्यू बुकलेट लेके आनी है, जिस दिन हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बाय द वे, आज भी हम कुछ एमसीक्यू और आज भी हम कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। शुरू करूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ू? अरे बढ़ो, आर यू श्योर? फिर अपन मूव ऑन करते हैं किस पे, एमसीक्यू बुकलेट। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 22 मॉडल टेस्ट पेपर है। मैं आता हूं अपने किस पे, टीचिंग स्टाइल पे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सोच समझ के मेरे पास आए होंगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जबरदस्त मिलेगी आपको। बरोबर? मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई भी चीज शुरू करूंगा, चाहे वो कोई चैप्टर हो, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, मैं सबसे पहले उसको ओवरव्यू आपको दूंगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब हम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ भी शुरू करेंगे, जब उसके चैप्टर शुरू करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट ही तुम क्यों पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट के बाद तुम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, चैप्टर के बाद तुम सेक्शन क्यों पढ़ रहे हो, ओवरव्यू क्या करना है आपको, क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, आगे क्या काम आएगा, ये सारी चीज बताएंगे। इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का सिंपल मतलब होता है एक आइडिया कि भाई क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? दूसरी बात आती है क्यूमुलेटिव रिविजन की। आज अगर अपन ने चार सेक्शन पढ़ा है, आज खत्म किया, अगले दिन आएंगे तो पहले उन चार सेक्शन को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आता है कि भाई हर सेक्शन आपके कहां रहेगा, टंग पे, लिटरली टंग पे रह गए, बोलने वाली बात नहीं है। फाउंडेशन में भी शायद आपने रिविजन भी, मैराथन भी देखा होगा तो भी याद आ जा रहा था, तो अपन तो रेगुलर क्लास में बैठे हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो मैंने हमेशा काउंसलिंग में भी आपको बोला कि अगर मैं आपको कोई भी चैप्टर, सपोज करिए मेरे को एक चैप्टर में 5 घंटे लगे आपको पढ़ाने के लिए, मैं कहता हूं 6 घंटे लगे, 3 क्लास लग गई है, अब वो 6 घंटे अपन ने डिटेल में तो पढ़ लिया, अब मेरी तरफ से आपको उस चैप्टर के बाद एक शॉर्ट वीडियो रिविजन मिलेगा, मे बी वो आधे घंटे का हो सकता है, मे बी वो 1.5 घंटे का हो सकता है। ऐसे हर चैप्टर के आपको शॉर्ट वीडियो रिविजन मिलेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, और वो वीडियो रिवीजन एक ओपन फॉर्मेट में, ओपन फॉर्मेट यानी कि आप डाउनलोड करें और प्ले किए, वीएलसी में भी चल जाएगा, आपके मोबाइल पे भी चल जाएगा, उस फॉर्मेट में रहेगा, उस पर कोई व्यूज की रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं है, आपको जितनी बार देखना है आप उसको उतनी बार देख सकते हो। ऐसे हर 15 चैप्टर का शॉर्ट वीडियो रिविजन के बाद मात्र 8 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा 15 चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर क्या आप सीरियस है? 110%। आप अगर देखेंगे वीडियो, मैंने यूट्यूब पे भी डाल के रखी है, 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये वही 8 घंटे हैं जो शॉर्ट रिवीजन में आपको हर चैप्टर के बाद दूंगा। उसके बाद इससे होगा ये कि आपको कहीं पे भी डाउट आए, आपको डिटेल्ड लेक्चर वापस से रिफर करने की जरूरत नहीं, आपने एक बार आधे घंटे में 1.5 में भी देखा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 4-5 घंटे का लेक्चर आधे से 1.25 घंटे में, ये आपको हर चैप्टर के बाद मिलेगा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वीडियो रिविजन। क्लियर है दोस्तों? अब बात आती है, जैसे मैंने बोला क्लास पे ही मैं आपको नोट्स बनाऊंगा हर सेक्शन के बाद, यानी कि अगर मान लो कोई 2 पन्ने का डिटेल्ड नोट्स अपन ने पढ़ा है तो आधे पैराग्राफ में उसका पूरा क्रक्स आपको निकाल के दे दूंगा ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, फाउंडेशन में जैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हर चैप्टर में जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। 15 चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब ये है कि हर चैप्टर के बाद हम जब मूव ऑन करेंगे अगले चैप्टर, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठहर के आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। इस टेस्ट में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है जितना तुम सोच नहीं सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। ये टेस्ट हम संडे टू संडे लेते हैं, ठीक है? तो संडे टू संडे आपको आना पड़ता है, सिर्फ टेस्ट होता है संडे टू संडे। हम नाश्ता वास्ता भी करवा के लेते हैं मोटिवेशन के लिए स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में कि आप आए। क्यों स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में और बीच बीच में करते रहते हैं? ये टेस्ट वो क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं होते जो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में हैं या जो आपको मैंने क्लास पे कराए हैं।
ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं खुद रिसर्च करके क्वेश्चन पेपर बनाता हूं, जो ना तो इंस्टीट्यूट के किसी एमटीपी आरटीपी एग्जिस्टिंग पेपर में है, ना ही ये वो पेपर है जो आपके क्वेश्चन बैंक में। जो बच्चा फाउंडेशन से मेरे से पढ़ रहा होगा ये बात को जानता होगा कि मैं खुद क्वेश्चन पेपर बनाता हूं। अरे हाँ, हमारे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के 2 फुल टेस्ट में आपने देखा था एक क्वेश्चन उठ के छुट्टा छुट्टा आ गया था गवर्नमेंट कंपनी का। तो ये इसलिए दिया जाता है कि आपने क्लास में डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लिए, अब आप ये देखिए कि कंसेप्ट के बेसिस में आपको नए सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। स्टार्टिंग में बच्चा टेस्ट में ऐसे ही आ जाता है कि ले ना अभी तो पढ़ा हूं, चल दे दूंगा, फिर उसको टेस्ट में समझ में आता है अरा टेस्ट ही है भाई ये। क्यों? क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन नहीं कि मैं आपको बोलूं चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, आपने ले निकाला क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 चार्ट के आगे, बोले यहीं से तो पूछेंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं टेस्ट पेपर खुद बनाऊंगा, और ट्रस्ट मी अगर आपको वो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस उफान में रह गए, सर ये तो तुरंत बन गया। ऐसे आप सोचो हर चैप्टर में जब टेस्ट होगा ना, तो मेरा ये अनुभव रहा है पहला चैप्टर बच्चा ऐसे ही मुंह उठा के आ जाता है, फिर उसको पता चलती कि यार उसकी औकात क्या है, ऐसे ही नहीं चलेगा। फाउंडेशन में भी जितने बच्चे बैठे हैं एक्सपीरियंस किए होंगे, फिर वो चैप्टर 2 पे पढ़ के आता है, फिर चैप्टर 2 पे जब पढ़ के आता है, जब अच्छा होता है ना उसका चैप्टर 2 का टेस्ट, तो सामने मिलने आता है, थैंक यू सर आपने टेस्ट लिया, सर इस बार पढ़ के आया था सर मैं, अच्छा बना सर, मेरे को मजा आ रहा है सर। जब बनने लगता है ना तो मजा आने लगता है। यह अनुभव मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप किसी भी कीमत में कृपा करके इन टेस्ट को अवॉइड मत करना, क्योंकि यही टेस्ट एक बहाना रहेगा जिसकी वजह से आप पढ़ोगे कि टेस्ट है। अन्यथा मैं आपको बोलूं बेटा ये वाला 4 सेक्शन आज अपन पढ़ के आए हैं, कल इसको रिवाइज करके आना, आपका रहेगा लेना सर तो रिवाइज कराएगा ही, वहां पे हो जाएगा, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट के होमवर्क भी मिलेंगे खासकर अकाउंट्स के। तो कृपा करें अपने दोस्त बने, और किसी भी कीमत में आप इन टेस्ट को अवॉइड ना करें, क्योंकि हर चैप्टर का जो टेस्ट रहेगा आप उन चैप्टर को टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि ईमानदारी से घुस के एक एक चीज इसलिए पढ़ोगे कि भाई क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। और ये मेरा अनुभव रहा है कि स्टार्टिंग का टेस्ट में कुछ आएंगे, फिर कुछ आएंगे, फिर कुछ आएंगे, फिर कुछ ही आते हैं, और उनको लास्ट पे रियलाइज होता है जो नहीं आते कि अरे भाई ये लोग इधर कितना बढ़िया रेगुलर आए, इनका देखो टिप्स पे सारी चीजें साला मेरे से नहीं हुआ। और इतनी मजे की बात होती है टेस्ट पे कि जब मैं टेस्ट लेता हूं ना, तो सब जानते होंगे ये बात, अगर फाउंडेशन से ही सारे आए होंगे तो मैं किसी भी एक बच्चे को बुला लेता हूं, आजा बेटा बता क्या हुआ, मैं तेरे को करेक्ट करेगा तू गलत बताएगा। 10 क्वेश्चन दिया हूं तो एक क्वेश्चन एक बच्चा बता रहा है, 3 क्वेश्चन एक बच्चा बता रहा है, ऐसे डिस्कशन होता है आमने सामने। अगर ये गलत कर रहा है बच्चा हाथ उठाता है कि मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूं, ऐसा बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है, आपको मजा आएगा इस पर डिस्कस करने में। ऐसे 15 टेस्ट आप दोगे तो आप समझ लो आप कौन सी पोजीशन में होगे, उन टेस्ट के अंदर एमसीक्यू भी रहते हैं। तो हर चैप्टर पे टेस्ट है, संडे आना पड़ेगा मेरे साथ साथ और मजा आएगा बरोबर। सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपके कितने टेस्ट लेने वाला हूं, 2 फुल टेस्ट, क्लियर है? यानी कि वो पूरे 15 चैप्टर का 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा जिसपे 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी रहेगा। अभी जो नवंबर 24 वाले हमारे स्टूडेंट है जो अब जनवरी 25 में चले गए वो अटेम्प्ट, उसमें हमने 15 चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी ले लिए, उनके 2 फुल टेस्ट होना बाकी है, बरोबर है क्या? क्योंकि उनका एग्जाम अभी किस में चले गया है, जनवरी में, तो हम नवंबर के आसपास उनका वापस से क्या लेंगे, 2 फुल टेस्ट। उनका 15 चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेम पैटर्न में आपका ये चलेगा, बरोबर है क्या? चलिए, ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट आपको सारी चीजें क्लियर है बेटा यहां तक की? तो कृपा करेंगे क्या करेंगे, टेस्ट को अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि नए क्वेश्चंस में आएंगे, बरोबर है क्या? फिर रिविजन यूट्यूब पे रहेगा 2 महीने पहले एज यूजुअल, जैसे हमने फाउंडेशन में भी किया था, और टिल एग्जाम मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, मतलब मैं इधर ही अवेलेबल रहूंगा तुमको फेस टू फेस वालों को। तो और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट, आप लोग का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसको हम डिस्कशन के लिए ओपन रखेंगे, वहां पे आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करोगे। आप जब एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाओगे तो मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा, बरोबर है क्या? जीत आगे बढ़ते फटाफट। अब आता है बेस्ट वे टू लर्न लॉ। इंटर में हमारे कुछ 5 स्टेप मॉडल हैं, ये 5 स्टेप मॉडल मैं आज ही आपको डेमो के साथ प्रूफ करूंगा कि जब आप इस प्रकार से चीजों को पढ़ते हैं तो आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में, और शायद फिर आप जज करना कि आप भूल पाओगे कि नहीं पाओगे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जो एक प्रॉब्लम आती है ना, पढ़ लिया याद नहीं हुआ, तो देयर शुड बी अ राइट अप्रोच कि आपको कैसे लॉ को पढ़ना है,
ये 5 स्टेप मॉडल है हमारे पास, ये 5 स्टेप किसने फॉलो किया आपको मजा आएगा। ये आज 5 स्टेप का डेमो मैं आपको अभी देने वाला हूं, इसी वक्त अभी शुरू हो जाएगा अपना कार्यक्रम, बरोबर है क्या? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो आपको सबसे पहले बेयर एक्ट का क्या चाहिए? रेफरेंस। मैं फाउंडेशन में भी बेयर एक्ट खोल खोल के आपको सारी चीजें दिखाया, मैं इंटर में भी आपको बेयर एक्ट खोल खोल के सारी चीजें दिखाऊंगा। मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है बेयर एक्ट का, क्या लिखा है? मैं बेयर एक्ट से नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन बेयर एक्ट में क्या लिखा है वहां से लेते हुए आपको आपके नोट्स में लेके जाऊंगा, ताकि आप क्या सीख पाए? इंटरप्रिटेशन। क्या सीख पाए? इंटरप्रिटेशन। दूसरा, हमारे हर सेक्शन के पहले जो चार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं? हेलीकॉप्टर चार्ट। तो पहले बेयर एक्ट का रेफरेंस रहेगा, सेकंड में हेलीकॉप्टर चार्ट रहेगा, फिर अपन डिटेल प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर हम कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड लास्ट उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर लिखेंगे। और ये पांचों की पांचों चीजें हम आज अभी इसी क्लास पे करने वाले हैं, बरोबर है दोस्तों? बढ़ो जीवन में आगे। मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम सेक्शन नंबर 103 आज पढ़ना शुरू करेंगे। बट 103 क्या है सर? डायरेक्ट सर 103, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज हम ये देख रहे हैं सर कि जो आपने ये 5 तरीके बताए हैं ना कि ऐसे पढ़ा जाता है लॉ को, हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं कि सर व्हाट इज द राइट अप्रोच, सही तरीका लॉ को पढ़ने का क्या होता है। तो मैं आपको सिलेबस सिखा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि लॉ को सही तरीके से पढ़ा कैसे जाता। क्या हम सिलेबस की स्टार्ट कर रहे हैं आज? आज सिलेबस का शुरुआत नहीं हो रहा है, आज किसकी शुरुआत हो रही है? राइट अप्रोच टू लर्न द लॉ, सही तरीका क्या है हम उसको समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? अरे बोलो, सही क्या पढ़ रहे हैं? तरीका। आज हम सिलेबस की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वी आर लर्निंग द बेस्ट वे टू लर्न द लॉ। सिलेबस की शुरुआत करने के लिए अपने पास बहुत समय बचा हुआ है, क्लियर है दोस्तों? मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूं आपको, कंसेप्ट बुक लानी, जैसे मैंने बता दिया, क्वेश्चन बैंक साथ में आप लेके आओगे, प्लेन रजिस्टर लाना है। क्या लाना है? प्लेन रजिस्टर, यानी कि जिसपे लाइन नहीं होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? प्लेन। क्योंकि जब प्लेन होता है तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे ये क्या है? प्लेन है। अब इसमें आपको जो कलाकारी करनी है आप कर लो, लाइन वाली लाइन में आपको रिस्ट्रिक्शंस रहती है, कचरा होता है, तो आपको क्या लाना है? प्लेन रजिस्टर, जो कितने पेजेस का होना चाहिए? 250 से 300 पेजेस का होना चाहिए, और कम से कम 2 कलर के पेन लेके आइएगा, ब्लैक और रेड एटलीस्ट, या ब्लू और रेड। फिर आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति कि आप 3-4 पेन लाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, बट ये बेयर मिनिमम आपको रोज लेके आना है। एक तो क्या? कंसेप्ट बुक, जो फिलहाल रहेगी वॉल्यूम नंबर 1, दूसरी क्या रहेगी? क्वेश्चन बैंक, एक प्लेन रजिस्टर रहेगा 250 से 300 पन्ने का, और एटलीस्ट 2 कलर के आपको क्या लाने हैं? पेन। क्लियर है क्या? आर यू श्योर दोस्तों? कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू श्योर? लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहे वाले आप? ये नंबर स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, इस चीज का कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। मैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरुआत कहां से करने वाला हूं, 103 से। 103 आपके चैप्टर नंबर किसका है बताएंगे? चैप्टर नंबर 7 का। किसका है बोलो? चैप्टर नंबर 7। बट क्या आज अपन चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 7 के एक सेक्शन, सेक्शन 103 को इसलिए पकड़ रहे हैं कि उसके माध्यम से एक उदाहरण के रूप से आपको मैं ये सिखाऊं कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। और यही सेम अप्रोच पूरा का पूरा लास्ट चैप्टर तक मैं आपको करवा के लूंगा, ताकि आपका एक आइडिया हो जाए, आपकी और मेरी क्या मैच हो जाए? एनर्जी। क्लियर है क्या दोस्तों? आर यू श्योर? बढ़ो मैं जीवन में आगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर शुरू, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन देने के पहले कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, उसके बाद धीरे से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बातों का जिक्र आएगा। क्या होगा? इस बातों का जिक्र आएगा। आओ जिक्र करके लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताएंगे मोटा माटी कंपनी कितने प्रकार की होती है? मोटा माटी कंपनी कितने प्रकार की होती है बताएंगे? एक प्राइवेट हो गई और एक क्या हो गई? पब्लिक हो गई। ठीक है, क्या मोटा माटी अब मुझे ये बताएंगे कि सर प्राइवेट कंपनी को अगर मुझे बनाना है, बनाना यानी कि प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करना है, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, कितने मेंबर लगते हैं? मिनिमम मिनिमम कितने? 2। और पब्लिक बनानी है तो मिनिमम? ठीक है, क्या मुझे अब बता सकते हैं ये बातें कहाँ लिखी हुई है? ये तो बहुत जबरदस्त आंसर हो गया,
एग्जैक्टली ये बातें किधर लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है क्या दोस्तों यहां तक की बातें? ठीक है। सेक्शन 3 में अपने को बताया क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, कि भाई प्राइवेट बनानी तो मिनिमम कितना 2, पब्लिक बनानी तो मिनिमम कितना 7। अगर कंपनी बनानी है तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, यानी कि आज जैसे मैं हूं और भाई कौन है, मंतेग, बरोबर है, तो मैं और मंतेग मिले तो हम कम से कम 2 हो गए, तो हम लोग 2 मिलके क्या बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी। ऐसे ही अगर मुझे क्या बनानी है, पब्लिक कंपनी, तो मेरे को कितने लोग चाहिए रहेंगे, 7 लोग चाहिए रहेंगे। अब 7 में जैसे एक तो अर्जुन हो गया, अरे हुआ, दूसरा अपन मंतेग जी को ले लिए, और सिंधी भाऊ का नाम क्या बाजू में, कहाँ गया भाई, हाँ सुधांशु हो गया, एक कितने हो गए टोटल 3। चौथे में अपन किसको ले लेते हैं, कार्तिक को, कार्तिक के बाजू वाले का नाम क्या बेटा, रोहन, कितने हो गए 5। पूर्वा आ गई एक, पूर्वा के पीछे वाली वैष्णवी, बरोबर, क्या हम लोग 7 लोग हो गए हैं, अरे हुए हैं क्या, हम लोग क्या बना सकते हैं मिलके, क्योंकि कम से कम 7 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ये बातें किधर लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 3, किधर लिखी है, सेक्शन नंबर 3। मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूं। अब अगर मुझे कंपनी को रजिस्टर करना है, कंपनी को क्या करना है, रजिस्टर करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो एक क्या है, अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है, जो एक अथॉरिटी, यानी कि हम 7ों के 7ों मिलके किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास, कि आरओसी आरओसी हम 7 मिलके कंपनी बनाना चाहते हैं, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड, क्या अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, अगर यही प्राइवेट बनाते होते तो हम बोलते अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। यहां तक की चीजें क्लियर है, एकदम बेसिक बेसिक सी चल रही है। इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, क्या देने पड़ते हैं इसको, कुछ 2 ही डॉक्यूमेंट की मैं बात करूंगा फिलहाल, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में आपको आगे चीजें बताऊंगा। एक तो देना पड़ता है क्या, एमओए, और एक आपको क्या देना पड़ता है, एओए। क्लियर है यहां तक की चीजें? मैं थोड़ा सा आपको एमओए और एओए समझा दूं, क्योंकि इनका जिक्र आएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं, और मेमो का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसकी, एसोसिएशन की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब कहता है कि भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मोटी मोटी कितनी बातें आती है, तो मोटी मोटी बातों में सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, क्या आता है बोलो, आप आरओसी को जब क्या देते हो, एमओए, तो उस एमओए में पहली चीज लिखी रहती है कि आरओसी आरओसी हम लोग ना ये 7 लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, जिस कंपनी का नाम रहेगा अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड। क्लियर है यहां तक की चीजें? आप बी में जाते हो तो आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, क्या आता है, इस पे लिखा रहता है कि कौन से स्टेट पे आपकी कंपनी क्या होगी, बनने वाली है। तो जैसे कि हम लोग कहां बैठे हुए हैं, पुणे में, तो हम आरओसी को बताएंगे आरओसी आरओसी हम ना महाराष्ट्र में कंपनी बनाना चाहते हैं, बरोबर है क्या? फिर मोटी मोटी इस पे तीसरी बात आती है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी आप कौन सा धंधा करने के लिए बना रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, तो बोले नाम पे ही क्लियर है ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, यानी कि आप लेक्चर्स इस पे प्रोवाइड करोगे, आर यू श्योर? फिर इसमें मोटी मोटी बात आती है कैपिटल क्लॉज की, बोलो किसकी आती है, कैपिटल क्लॉज की, आप 7 लोग मिलके कितने रुपए इस कंपनी में लगा रहे हैं, कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मोटी मोटी लास्ट बात अगर मैं बोलू, इसमें से एक पॉइंट मैंने छोड़ा है क्योंकि अपन आराम से डिस्कस करेंगे, आता है एसोसिएशन क्लॉज, क्या आता है बोलो, एसोसिएशन क्लॉज का मतलब हम आरओसी को बताते हैं कि हम लोग कितने लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, तो इस एसोसिएशन क्लॉज में नाम आएगा किसका, अर्जुन का, मंतेक का, सुधांशु का, कार्तिक का, रोहन का, पूर्वा का और वैष्णवी का, कि हम 7 लोग मिलके इस कंपनी को बना रहे हैं, वी आर द एसोसिएशन 7 लोग का। क्लियर है यहां तक की बातें? तो क्या मैं बता सकता हूं कि सर मेमोरेंडम तो एकदम वन ऑफ द फंडामेंटल बेसिक डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। क्लियर है यहां तक की बातें? अरे आर यू श्योर, बराबर है, आप नाम बता रहे हो, काम बता रहे हो, जगह बता रहे हो, लागत बता रहे हो, कितने लोग मिलके, ये तो एकदम फंडामेंटल बात हो गई। तो आप जानकारी दे रहे हो कि हम लोग मिलके क्या करने वाले हैं, किस नाम से करने वाले हैं, क्यों, कौन सा काम करने वाले, कहां करेंगे, आर दिस क्लियर एवरीबॉडी? फिर मैं आता हूं किस पे, मेमोरेंडम में, बोलो किस पे, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हेलो, अब मेमोरेंडम में तो आपने बता दिया कि आपका काम क्या है, लेक्चर देने का, आप कंपनी इसीलिए बना रहे हो कि आप क्या दोगे, एजुकेशन।
अब एजुकेशन कैसे दोगे? अरे एजुकेशन और अंदर की क्या काम चीज रहेगी ये लिखा रहेगा एओए में। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, सरल शब्दों में बोलूं, कंपनी को चलाने के, एवरीबॉडी, कंपनी को चलाने के नियम और कानून, बोलो ना, कंपनी को चलाने के लिए नियम और कानून, ये किस पे लिखा रहेगा? एओए में। सर एक आध एग्जांपल हो जाए कि सर एओए में ऐसा क्या बात लिखी रहती जिससे कंपनी को चलाया जाए। अकाउंट्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा बोनस, पढ़ा है बोनस। अब बोनस का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, या तो शेयर होल्डर्स बोल लें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली पेड अप शेयर्स दे देती है, यानी कि फोकट में शेयर्स मिल जाते हैं। कंपनी ये फोकट के शेयर्स तभी दे सकती है जब ये बात आर्टिकल पे क्या हो, ऑथराइज्ड। अगर आर्टिकल पे कंपनी को अनुमति नहीं दी हुई है, आर्टिकल पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कंपनी बोनस दे सकती कि नहीं दे सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बोनस नहीं दे सकते। ये बात लिखी होनी चाहिए आर्टिकल पे, तो ही बोनस दे पाओगे। बायबैक सुने कभी आप जीवन में? ये भी अकाउंट्स में पढ़ा है आपने? पढ़ा है, सुना तो होगा, सुना है। कंपनी अपने ही मेंबर से जो शेयर दिए वो क्या ले लेती है? वापस। जब तक ये आर्टिकल पे नहीं लिखा होगा तब तक कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। अर्जुन छापड़ा ट्यूटोरियल को बनाने वाले कितने लोग थे मेरे लाल? 7 लोग। अरे हाँ कि ना, इन 7 में मेन आदमी कौन है? ये कंपनी का क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी के आर्टिकल पे लिखा है कि इस अर्जुन छापड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड को चलाने के लिए कल को लोन लगे, तो लोन लेने का अधिकार कंपनी के बिहाफ में सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, जिसका नाम क्या है? अर्जुन छापड़ा, जो कंपनी का क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या मंतेक जाके लोन ले सकता है कंपनी के बिहाफ में? नहीं। क्या पूर्वा जाके ले सकती है लोन? नहीं। क्या वैष्णवी जाके ले सकती है? नहीं। कौन लेगा? यह बात कहां लिखी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कि कौन है, Who is the person having the power to borrow money on behalf of the person? तो बोले कौन है? अर्जुन है। Everybody, are you sure? अब कंपनी बनाई है तो मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी। भाई तुमने पैसा लगाया है, ऐसा तो नहीं हम साथ ही रहेंगे, भविष्य में और भी शेयर होल्डर लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, फिर साल पे एक बार आपको मीटिंग करनी होती है, जिसका नाम क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। अब वो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो आर्टिकल पे लिखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे, और कब बुलाएंगे ये अधिकार किसके पास है? बोर्ड के पास। बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ, मैं बोलता हूं हम सब के सब डायरेक्टर हैं, तो हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। अरे हाँ, इंडिविजुअल व्यक्ति को बोलते हैं डायरेक्टर, सबको मिला के बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडिविजुअली नोन एज व्हाट? डायरेक्टर। यहां तक की चीजें क्लियर है? तो भाई आर्टिकल पे लिखा है कि मीटिंग कब, कौन सी डेट को बुलानी है, कहां बुलानी है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेंगे? बोर्ड। और बोर्ड का मतलब यहां पे ये है कि जैसे भाई अपन टोटल कितने लोग हैं? 7। 7 की मेजोरिटी करोगे तो कितनी आएगी? 4। अगर अर्जुन, मंतेक, सुधांशु और कार्तिक ये 4 लोग मिलकर ऐसे बोल देते हैं कि पुणे में एक बढ़िया होटल है, बराबर है, मान लो सपोज उसका नाम है क्या? ओबरॉय होटल। ओबरॉय होटल में हम 11 बजे मीटिंग बुलाने वाले हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ये किसने डिसाइड किया? बोर्ड ने। किसने डिसाइड किया? एक दिन अर्जुन का मन किया, उठा, बोले यार ओबरॉय होटल में 11 बजे मीटिंग बुलानी है। अकेला अर्जुन, अकेला क्या अर्जुन ऐसा कर सकता है? आर्टिकल पे लिखा है कि ये जो अथॉरिटी मीटिंग कहां बुलानी है, कौन से वक्त बुलानी है, कौन सी जगह बुलानी है, कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड। तो इंडिविजुअल डायरेक्टर ही डिसाइड, ये कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड। और बोर्ड मंजे व्हाट? मेजॉरिटी। आर यू विथ मी? तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कंपनी को चलाने के नियम कानून, यानी कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट? अरे हाँ, चलो बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया मीटिंग कौन सी जगह बुलानी है, कौन से वक्त बुलानी है, मीटिंग का नोटिस कौन भेजेगा? ये आर्टिकल पे लिखा है कि मीटिंग का नोटिस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी भेजेगा। एवरीबॉडी, अब कंपनी सेक्रेटरी के लिए मैं कहता हूं इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, भाई का नाम क्या है? वेदांत। वेदांत अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड का क्या है? CS। और आर्टिकल पे लिखा है कि CS इज हैविंग द अथॉरिटी टू सेंड द नोटिस सारे शेयर होल्डर को, बरोबर है क्या? क्या मंतेक नोटिस भेज सकता है? कौन भेजेगा? CS।
OCS कौन है? वेदा। बरोबर है क्या यहां तक की बातें? तो क्या आपको AOA का मोटा मोटा मतलब समझ में आ रहा है? AOA का डिटेल्ड सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 5 में, उसमें अपन और डिटेल में समझेंगे, बट क्या मोटा मोटा पर्पस समझ में आ रहा है AOA का? कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन इधर लिखे रहते हैं कि लोन कौन लेगा, बायबैक आप कर सकते हो कि नहीं, बोनस आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, टाइम कौन डिसाइड करेगा एनुअल जनरल मीटिंग की, ऐसी तमाम बातें जो कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है कहां लिखी रहेगी? आर्टिकल ऑफ। यहां तक की चीजें क्लियर है? अरे आर यू श्योर? 110%। चलिए एक एक करके बताएंगे कितने लोग एसोसिएट हो रहे थे। पहला तो कौन है? अर्जुन। दूसरा कौन था? मंते। कुछ नाम मेरे को याद है, एक पूर्वा भी है, वैष्णवी भी है, और बताओ कौन था? कार्तिक था। कितने हो गए? और बताओ, सुधांशु हो गया, और बताओ, रोहन। क्या मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? बोलो ना क्या हो गए हैं? अरे क्या हो गए हैं? अच्छा, सेक्शन 3 की पूर्ति कर रहे हैं क्या? सेक्शन 3 की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? सेक्शन 3 बोल रहा है कि तुम कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो? पब्लिक। तो मिनिमम तुमको कितने लगेंगे? 7। तो 7 लोग तुम लोग क्या हो गए हो? एसोसिएट। अब तुम एसोसिएट होके किसके पास जाओगे? आरओसी को मोटा मोटा क्या दोगे? एमओए और एओए। बरोबर है? मोटा मोटा डॉक्यूमेंट दोगे। बरोबर है? एमओए और एओए। आर यू श्योर दोस्तों? अब आरओसी इस एमओए और एओए के दम पे आपकी कंपनी को क्या करेगा? रजिस्टर। बरोबर है? और रजिस्टर करके आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि हां भाई आप 7 लोगों को मैंने एज अ कंपनी रजिस्टर कर लिया। क्लियर है भाई? क्या नाम है भाई? वरद। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है वरद भाई? तो एमओए और एओए क्लियर है, कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है मोटा मोटा ये भी क्लियर है। अच्छा, जस्ट एक नॉलेज के लिए आपके लिए पूछूं, अपन ऐसा आज सच अपन कोई बहुत ज्यादा घुस नहीं रहे चीजों पे, अपन बेस्ट तरीका पढ़ रहे हैं आज। सेक्शन 3 पे लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। ये जो प्रोसीजर है कि 7 लोग मिले, फिर आरओसी के पास गए, एमओए दिए, एओए दिए, फिर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, ये बातें किधर लिखी है? सेक्शन नंबर 7। यानी कि सर सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, बट कंपनी फॉर्म कैसे करनी है प्रोसीजर दिया है सेक्शन नंबर 7 पे कि आपको एमओए देना है, एओए देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा कौन? आरओसी। क्लियर है यहां तक की चीजें? अरे आर यू श्योर? 100%। अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे? सेक्शन नंबर 103। 103 में क्या बात चल रही बोलो? कोरम। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कोरम का मतलब क्या है, और कोरम को ही समझाने के लिए मैंने आपको एओए के बारे से थोड़ा सा डिटेलिंग दी, क्योंकि एओए का जिक्र आएगा कहां पे? सेक्शन नंबर 103 पे। क्लैरिटी है दोस्तों यहां तक की बातों की? अब कोरम का मतलब क्या होता है ध्यान से समझेंगे और एक साथ बोलेंगे। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कम ऑन एवरीबॉडी, मिनिमम नंबर ऑफ दैट मस्ट बी प्रेजेंट, दैट मस्ट बी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, सर थोड़ा सा इसके बारे से समझाइए। 103 कहता है कि मैंने ना पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के बारे से कोरम बताया। कोरम मतलब कि कम से कम इतने लोग मीटिंग में मौजूद होंगे तो ही आपकी कंपनी की मीटिंग कमेंस होगी, अन्यथा मीटिंग कमेंस नहीं होगी, अगले हफ्ते आना। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? एग्जाम्पल के लिए, किसके लिए? सपोज करिए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट की पब्लिक? पब्लिक कंपनी। मान लो 103 पे ऐसा लिखा है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, हेलो 103 में ऐसा लिखा है कि भाई जब तक कंपनी में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं होंगे, कैसे 5 मेंबर, तब तक मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग में 11 बजे की मीटिंग थी, आधा घंटा हो गया, अभी सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, क्या मीटिंग की शुरुआत हो सकती है? नहीं। जब तक 5 नहीं आएंगे तब तक उसको कोरम नहीं बोलेंगे, और जब तक कोरम नहीं आएगा तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी। हेलो, तो कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू कमेंस द मीटिंग, यानी मीटिंग की शुरुआत ही नहीं होगी, जब तक इतने लोग नहीं आएंगे तब तक मीटिंग की शुरुआत होने वाली। आर यू विथ मी? मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग आ रही है? अब मैं आपको थोड़ा सा बेयर एक्ट की तरफ लेके जाता हूं। मैंने आपको 5 स्टेप मॉडल बताए थे, कौन सा मॉडल बताए थे?
फाइव स्टेप मॉडल में सबसे पहला था बेयर एक का रेफरेंस, दूसरा था हेलीकॉप्टर चार, तीसरा था डिटेलिंग, चौथा था कीवर्ड निकालना और पांचवा था उसका आंसर लिखना। क्लियर है? एक एक करके बोलेंगे। सबसे पहला क्या है? बेयर एक का रेफरेंस। दूसरा क्या है? हेलीकॉप्टर चार्ट। हेलीकॉप्टर चार्ट यानी कि आप चार्ट को पूरा ऐसे हेलीकॉप्टर मोड में बना लेते हो, उसके पंख वंख निकाल लेते हो। तीसरा आपका क्या आएगा? डिटेलिंग। चौथा आएगा क्या? कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना। और पांचवा क्या आएगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, कीवर्ड भी निकालेंगे, बेयर एक का क्या लेंगे, रेफरेंस भी लेंगे, हेलीकॉप्टर चार्ट भी बनाएंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और आंसर भी लिखेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? बट जाते जाते, शुरुआत करते करते मुझे एक बात बताइए, क्या हम आज सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? क्या लॉ को पढ़ने का सही तरीका? आर यू विथ मी दोस्तों? बेयर एक्ट देखना चाहते हो? चाहते हो? बेयर एक्ट में जैसे आप देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, सेक्शन नंबर 100। मैं जहां जहां हाईलाइट करूंगा आपको उतना ही देखना और उतना ही पढ़ना है। अपने से दिमाग लगाने की कोई जरूरत? अपने से दिमाग लगाने की कोई जरूरत? आर यू विथ मी? मैं नोट करने जब आप बोलूंगा तब आप नोट करिएगा, ठीक है भाई? ए भाई रुकना, आराम से भर के जाएंगे अपन। जब मैं नोट करने आपको बोलूंगा तब आप नोट करिएगा, बट अभी मैं जितना आपको हाईलाइट करवाऊंगा आप उतना ही हाईलाइट करना और उतना ही देखना, मतलब दिमाग में देखना भी उतना, पढ़ना भी उतना। क्या तुम मेरे साथ हो? सबसे पहले कोरम का मतलब बताएंगे क्या? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। भाई इतना तो कम से कम आना चाहिए, नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, घर जाओ, अगले हफ्ते आना, बरोबर है क्या? उसी को क्या बोलते हैं? कोरम। आर यू विथ मी 100%? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सेक्शन 103 पे क्या लिखा है? कोरम फॉर मीटिंग। पहले वाले सब सेक्शन की पहली लाइन है जिसको अपन फिलहाल के लिए क्या रख रहे हैं? पॉज। क्या कर रहे हैं? उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है क्या? सबसेक्शन नंबर 1, ये दिख रहा है सबसेक्शन नंबर 2, नीचे आपको दिख रहा है सबसेक्शन नंबर 3, दिख रहा है क्या? अच्छा, सबसेक्शन नंबर 1 पे देखोगे तो 1 के अंदर आपको क्लॉज ए में दिख रहा है पब्लिक कंपनी, क्लॉज बी में आपको दिख रहा है क्या बोलो? प्राइवेट कंपनी। इससे मोटा मोटा अपने को ये पता चल रहा है कि सेक्शन नंबर 103 के, हेलो, सेक्शन नंबर 100, सबसेक्शन नंबर के क्लॉज ए में पब्लिक कंपनी का कोरम बताया है और क्लॉज बी में प्राइवेट कंपनी का कोरम बताया है। आर यू विथ मी? वन क्लियर हुआ? वन का क्लॉज ए और बी क्लियर हुआ? वन की पहली लाइन अपन पॉज रखे, खत्म आज ही करेंगे। एवरीबॉडी, सबसेक्शन नंबर क्या है? 2। 2 पे एक बात लिखी कि अगर कोरम हाफ एन आर पे नहीं आता तो क्या होगा? एवरीबॉडी, कोरम हाफ एन आर पे नहीं आता तो क्या हो? 11 बजे की मीटिंग थी, 11:30 बज गए, अभी तक जितना कोरम बताया था, जितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बताया था, अभी तक आया तो क्या हो? सिचुएशन बताइए, कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट विल हैपन इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आर? ये सबसेक्शन नंबर किधर लिखा है? 2 पे। सबसेक्शन नंबर 3 पे लिखा है, ऐसे 2 पे तो ये लिखा है कि अगर नहीं आया तो मीटिंग क्या हो जाएगी? अडजन। अडजन का मतलब ये है कि आज नहीं होगी, फिर एक हफ्ते बाद। आर यू विद मी? 3 पे एक बात लिखी कि देखो अगर अडजन मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आया तो क्या होगा? हेलो, अरे हेलो, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या समझा? सर सबसेक्शन नंबर 1 पे क्लॉज ए पे बताया कि पब्लिक कंपनी का कोरम कितना, क्लॉज बी में बताया प्राइवेट कंपनी का कोरम कितना, 2 पे बताया कि अगर निर्धारित समय से आधे घंटे में कोरम नहीं आया तो क्या होगा, तो बोले एडजन होगी। फिर 3 में बताया कि साला एडजन में भी नहीं आया तो क्या होगा? ऐसे ही है। आर यू श्योर? अभी डिटेल में घुसा? डिटेल में तो घुसेंगे अब। आर यू विथ मी? आर यू श्योर? तो चलिए मेरे साथ हेलीकॉप्टर चार्ट बनाइए, निकालिए कॉपी, ठीक है? कॉपी निकालने में बेटा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, फटाफट निकालो, एकदम बाबू सोना जैसे एकदम कॉपी निकालेंगे, खोलेंगे, जय माता दी करेंगे, ऐसा नहीं, फटाफट निकालो, बरोबर है? हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, मेघा बगारिया जी सर लिख के भेजी, मेघा बगारिया जी हमारी फाउंडेशन की स्टूडेंट है बेटा, क्या हाल चाल? बेबो जी एजीएम करके कुछ लिखी है, कामिनी शर्मा जी है, क्लियर कह रही है सर, बाकी सब्जेक्ट के टीचर का रिकमेंड कर दीजिए। बिल्कुल, ऑफिस नंबर 88 में या तो संपर्क कीजिए या तो स्वयं आइए, सब बता देंगे, ठीक है? इट्स मी लक्ष्य। यस सर, मजा आ रहा है,
मैं भी हूँ सर फ्यूचर सीए। बेटा फ्यूचर सीए तो है, तो नाम तो बता। दक्ष पांडे कह रहा है सर बुक्स। बेटा बुक्स के बारे से स्टार्टिंग में बता दिया, अभी और बताएंगे बुक्स के बारे से। हाँ जी एवरीबॉडी साथ हो, बुक कॉपी खुल गई है। चलिए अब एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जस्ट आपकी जो कंसेप्ट बुक है, चाहे वो कंसेप्ट बुक नंबर वन हो चाहे वो कंसेप्ट बुक नंबर टू हो, जहां जहां मुझे लगता है कि आपके ICAI के मॉड्यूल के अंदर जो बातें लिखी हुई है वो उचित नहीं लग रही अगर मेरे को, और बेयर एक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बेयर एक्ट की बातें लिखी है। जैसे 103 पे मेरे को आपकी मॉड्यूल की बात समझ में नहीं आई, आपकी मतलब इंस्टीट्यूट की, तो मैंने उधर के कंटेंट को छोड़ दिया, वहीं बेयर एक्ट उठा दिया एज इट इज। और आपको अभी समझ में आएगा जस्ट आधे घंटे के अंदर कि सर ने सही किया, कि सर ने उनका कंटेंट इग्नोर किया और ये पढ़ाया, क्योंकि ये तो एक कदम आगे है। शायद सवाल आए तो इससे ज्यादा बेहतर बने, उससे नहीं बनेगा। तो जहां जहां पे भी आपके ICAI मॉड्यूल के अंदर मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मॉड्यूल वाली लैंग्वेज मेरे को नहीं चाहिए, इसमें कुछ तो शब्द मिसिंग है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मैंने वो कंटेंट नहीं उठाया, मैंने बेयर एक्ट का कंटेंट डाला है। जहां पे मेरे को लग रहा है कि यार आपके ICAI के मॉड्यूल पे, अरे मॉड्यूल पे चीजें बराबर है, अरे है, बट थोड़ी सी क्या है टेक्निकल है, उस परिस्थिति में मैंने उसको क्या कर दिया है, इजी कर दिया है। बोलो क्या कर दिया है। तो अब अगर मैं आपको लेके जाता हूं सबसे पहले कंसेप्ट बुक पे, और कंसेप्ट बुक पे अगर आप देखेंगे, वैसे आज आपने कंसेप्ट बुक नहीं लाई होगी कुछ लोगों ने, बस सुन लेना, मैं कंसेप्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 हूं, आप देख पा रहे हो। अरे हाँ चैप्टर नंबर 7 के अगर आप देखोगे तो ये आपका सेक्शन नंबर 103 ही दिख रहा है क्या आपको? इसको मैंने पॉज किया था अभी बेयर एक्ट के अंदर, और फिर ये क्लॉज ए, फिर ये क्लॉज बी, फिर ये सब सेक्शन नंबर 2 और ये सब सेक्शन नंबर 3। तो सेम चीज आपके इधर है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो अब क्योंकि अपन कंसेप्ट बुक को ही बेस बना रहे, तो मैं कंसेप्ट बुक खोल के रखता हूं, क्लियर है? बेयर एक्ट की चीजें सेम सेम लग रही, एकदम सेम ही है कॉपी पेस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि इस 103 को मैं मॉड्यूल की भाषा में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा ये भी बताऊंगा, अभी मॉड्यूल खोल के भी दिखाऊंगा। एवरीबॉडी कॉपी खुल गई आप लोगों की? अरे खुल गई है। सबसे पहले आप लिखेंगे कोरम। क्या लिखेंगे? कोरम। कोरम काहे के लिए बोलो? कोरम फॉर मीटिंग। अरे हाँ ना, कोरम फॉर मीटिंग। सेक्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? 103। मेरी राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर वाली है, प्लीज कृपा करें एडजस्ट करें, ठीक है दोस्तों? चलिए सबसे पहले कोरम फॉर मीटिंग में, अच्छा मैं आपको क्या बनवा रहा हूं बाय द वे? हेलीकॉप्टर चार्ट। कोरम फॉर मीटिंग में सबसे पहले तो आप लिखेंगे निकाल के मीनिंग। क्या लिखेंगे बोलो? कि भाई कोरम का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग लिखेंगे, बरोबर है दोस्तों? और मीनिंग के अंदर मैं लिख रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कमेंस अ मीटिंग। सही लिख रहा हूं क्या? कि कम से कम कितने लोग चाहिए अपने को ताकि हम मीटिंग को क्या कर सके बोलो? कमेंस कर सके। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मीनिंग। कि कोरम का मीनिंग क्या है, बरोबर है क्या? मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं और यहां पे लेके आता हूं सबसेक्शंस। क्या लेके आता हूं बोलो? सबसेक्शन। कितने सबसेक्शन पढ़े थे? खींच लेंगे क्या 3? सबसेक्शन नंबर 1। अच्छा 1 पे देखेंगे तो हमारे पास फिर कितने क्लॉज हैं? 2 क्लॉज हैं, बराबर है सर, एकदम बराबर है। क्लॉज ए है और एक क्लॉज क्या है? बी, बराबर है, ठीक। क्लॉज ए के अंदर किसका कोरम बताया था क्या आप मुझे बता सकते हैं? पब्लिक कंपनी के बारे से बताया था। क्लॉज बी में प्राइवेट कंपनी के बारे से बताया था। क्या फील कर पा रहे कि चीजें कैसे टूटेगी एकदम जोर से एकदम? ठीक है मेरे पास क्या है, मेरे को बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आप सबको दिखे, आप अपनी जगह को अपने हिसाब से लिखेंगे। 2 के अंदर था, 2 के अंदर क्या था बताएंगे? हाँ 2 के अंदर पहले क्या लिखा था?
व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, यही था ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, क्या हो जाएगा भाई? कोरम अगर प्रेजेंट नहीं होगा हाफ एन आवर पे तो एडजर्न हो जाएगी भैया। अच्छा एडजर्न कब होगी? ठीक है चलो एडजर्न, अब इतना ही लिखते हैं कि क्या हो जाएगी एडजर्न, ठीक है। होने के बाद बोलिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जीवन में। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा चीजें क्लियर बैठ रही है? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट चीजें क्लियर बैठ रही है? माना लिखते लिखते एक बार चैट करना पड़ेगा यस करके, बट फिर भी कर दो यस सर और क्लियर। प्राची जी बोल रही, दो प्राची हमारे पास, एक कश्यप है और एक उधलानी है। सिंधी है क्या बेटा? हाँ, एक ऋषभ भी है, कामिनी भी है, भूमिका जी भी है, अर्नब भी है, अनन्या जी भी है। यस सर ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। अंशुमन भी है, राखी शाह भी है, संजना भी है, कार्तिक भी है, एक कार्तिक फेस टू फेस में भी है, ठीक है। सबको क्लियर, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। मैं तीसरे सबसेक्शन में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ मैं? तीसरे सबसेक्शन में क्या था कि साला एडजर्न मीटिंग, यानी कि जो पहले मीटिंग हुई वो उस पर आधे घंटे पे कोरम नहीं था, फिर हम नेक्स्ट पे गए उस पर भी क्या था, नहीं था कोरम। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, व्हाट इफ, क्या लिखेंगे व्हाट इफ। ऑफिस में से जो भी सुन रहा होगा लेक्चर को, कृपा करें उनको भेजें, वॉलेंटियर्स को भेजें, एक बार वॉलेंटियर जो भी गए उनको भेजे ऑफिस में जो सुन रहे। हाँ व्हाट इफ क्या लिखा है, व्हाट इफ, व्हाट इफ, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, एट द एडजर्न्ड मीटिंग ऑल्सो, क्या लिखा है, एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर चार्ट बनवाया हूं क्या भाई? तीसरे में ये लिखा है ना कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो क्या होगा? अरे हाँ, यहां तक की चीजें क्लियर है। इसको बोला जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या, हेलीकॉप्टर चार्ट। अब क्या हुआ देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी चीज जब मैं आपको शुरू कराऊंगा पहले उसका क्या दूंगा, आइडिया। अब आइडिया क्लियर हो गया कि भाई कोरम किसको बोलते हैं, वन के अंदर पब्लिक कंपनी के लिए ए में बताया है, प्राइवेट के लिए किस में बताया है, बी में। फिर सब सेक्शन नंबर टू है वो कहता है कि जो टाइम आपने डिसाइड किया था उससे आधे घंटे में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, एडजर्न। फिर बोलता है एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आया तो क्या होगा, ये हो गया आइडिया। क्या हो गया? अब अपने को अंदर की चीजें डालनी है, खटखट खटखट दिमाग में बैठ जाएगी। और पता तुमको ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर चार्ट तुम्हारे को बिना एफर्ट लगाए ऐसे माथे में कैप्चर लगेगा एकदम ऐसे दिमाग में, कह रहे हाँ अभी क्या हो गया है, बैठ चुका है। एवरीबॉडी करूँ क्या शुरू? भाई फोटो वीडियो बना रहा है, थोड़ा ढंग से बना, लखन अखन को भी जैसे बाहर से फोटो खींच के ले गया यार, अच्छे से बना थोड़ा सा, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए एवरीबॉडी बड़े जीवन में आगे, तो मैं वापस से किस पे आ जाता हूँ, अपने कंसेप्ट बुक नंबर पे वन पे। अरे हाँ कि ना जी, क्योंकि कंसेप्ट बुक नंबर वन पे क्या है, पूरा का पूरा बेयर एक्ट। आर यू विद मी? सब सेक्शन नंबर वन फिलहाल के लिए अपन क्या रखे हुए हैं, पॉज। और सब सेक्शन नंबर वन के क्लॉज ए में किसका कोरम दिया हुआ है, पब्लिक कंपनी, जिसमें मिनिमम कितने रहते हैं, सात। आर यू श्योर? एक एक करके देखेंगे और फिर मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। क्या लिखा है, फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट मोर देन, कितना लिखा है, यानी कि ऐसी पब्लिक कंपनी जिसपे अप टू 1000 मेंबर, कितने, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, नॉट मोर देन 1000, यानी कि अगर 1000 तक हैं, 1000 से ज्यादा, 1000 तक के अगर क्या हैं मेंबर्स, यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया शेयर होल्डर्स, उस केस पे उस पब्लिक कंपनी की जब मीटिंग होगी तो कम से कम 5 लोग आने चाहिए। कितने लोग आने चाहिए? तो ही मीटिंग शुरू होगी, अन्यथा मीटिंग शुरू होने वाली। एक मजेदार वर्ड लिखा है उस पर, क्या पूछो, क्या लिखा है, पर्सनली प्रेजेंट। मतलब बताएंगे कोई पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या है? मैं बताता हूं एकदम रिलेटेबल एग्जांपल से। जब आप स्कूल पे पढ़ते थे और मैथ्स टीचर का पीरियड है अगर, और मैथ्स टीचर उस दिन अगर अवेलेबल नहीं है, अरे हाँ कि ना,
क्योंकि वो इंग्लिश टीचर के साथ कहीं गया है। होता था ना कभी, तुम नोटिस करना, दो टीचर एक साथ एबसेंट होते हैं, मेल फीमेल, तो मतलब समझ जाने का। तुमने कभी ये सब नोटिस नहीं किया? अपन बचपन से ही सब नोटिस करते आ रहे हैं। और इनके जो मैथ्स टीचर है, अरे है, क्योंकि आज वो उपस्थित नहीं है, आज वो आया ही नहीं है, उसकी जगह आता था पीटी टीचर, जिसको हम बोलते थे प्रॉक्सी। सुने कभी? प्रॉक्सी का मतलब क्या होता था? किसी के बदले। वो इसलिए आता था कि अब क्लास में दिंगा मस्ती मत करो, क्योंकि टीचर नहीं है तो भैया बवाल होते रहता है क्लास में, आप चौक पूरा खत्म कर देते थे मार मार के, ब्लैक बोर्ड में आप कुछ भी लिख रहे हैं। तो वो आके बस क्या करता था, बैठता था और मोबाइल चलाता था, ताकि आप शांति से बैठे रहे, कि बस वो पीरियड खिंच जाए। कुछ तो आपको बोल देगा कि चलो मैथ्स का था ना, कल की क्लास जो खत्म नहीं हुई थी नोट करो, कुछ भी टाइम पास आपको काम दे देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। कि जो मेन टीचर मैथ्स वाला नहीं आया, उसके बदले कोई दूसरा टीचर, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी प्रॉक्सी का कंसेप्ट है। मंतेक भाई साहब नहीं आ पाए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड की मीटिंग में, अरे हाँ कि ना, पीछे वाले का नाम क्या बेटा? साईंराज, इसका दोस्त है, बोले यार मेरे बदले चले जा। तो मंतेक पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, मंतेक इज प्रेजेंट वाया प्रॉक्सी, कि मेरे बदले जा, वोट करके आ जाना एवरीबॉडी। अब साईंराज आया, हमको कितना चाहिए? हमारी कंपनी में टोटल कितने मेंबर है? कौन कौन है? मैं, मंतेक, कार्तिक, पूर्वा, वैष्णवी, सुधांशु और रोहन। किधर है? हाँ, क्या हम 1000 के ऊपर हैं? कितने? अप टू 1000। क्या कोरम होना चाहिए? 5 मेंबर, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मैं आया हूं, मैं तो MD हूं, मैं तो आऊंगा ही। रोहन आए, कार्तिक आए, पूर्वा आई है, कितने हो गए? मंतेक नहीं आया, बाकी के भी नहीं आए। मंतेक भेजा साईंराज को, बोले चले जाना यार, जो भी मुद्दा होगा देख लेना, समझ लेना, तू ही पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब कायदे से 5 शरीर आए, कितने शरीर आए हैं? 5 लोग आए हैं, साक्षात आए हैं, लेकिन 5 में से एक जो है वो प्रॉक्सी है, वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं है। क्या कोरम है? कोरम नहीं है, मीटिंग होने वाली नहीं है। अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते भी नहीं आएंगे तो 3 पे देखेंगे क्या हो रहा है, अभी तो 1 चल रहा है। आर यू विथ मी? कैसा चाहिए? कैसे चाहिए? प्रॉक्सी चलने वाला नहीं है। सर प्रॉक्सी का सेक्शन किधर? 105 पे, बरोबर है क्या? कोरम किधर है? 100। तो प्रॉक्सी भी कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपकी घर की बाई हो सकती है क्या? ये भी लिखा है उसके अंदर कि कौन प्रॉक्सी होगा, जब 105 पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं? 103 क्या बोल रहा है अपने को? कोरम चाहिए अपने को, कैसा? पर्सनली, वो भी कब? जब अगर नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी में कितने हैं? अप टू 1000, नॉट मोर देन 1000। मतलब क्या कि 1000 के ऊपर नहीं है, तो यानी कि अप टू 1000 है, तो कितने चाहिए? 5। आर यू श्योर? पढ़ने का तरीका समझना, क्या पढ़ रहे हैं? 100, सब सेक्शन नंबर, क्लॉज, सब क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 2। कितना लिखा है? 15। कितना लिखा है? 15 मेंबर पर्सनली। कब? अगर मोर देन 1000 है, बट अप टू क्या है? 1001 से लेके 5000 तक कितने चाहिए? 15। कैसे? पर्सनली प्रेजेंट। अप टू 1000 5 PP, 1000 के ऊपर यानी कि 1001 से लेके 5000 तक 15 PP। सर 5000 के क्या है ऊपर? 5000 के क्या है? 30 मेंबर पीपी अगर एक्सीड किसको कर रहा है? 5000। क्लियर है? एक मजे की बात, कैसे बात? सुन रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? चलिए आंसर करोगे? आर यू श्योर? एक सवाल है मेरा, क्या है? एक ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा, बराबर है क्या? ठीक है, तुमको मेरा मोबाइल चाहिए क्या? ठीक है, चलो ध्यान से मेरी बात को सुनना। वो फोटो वोटो लेते रहेगा, अच्छी आएगी फोटो, समझते हुए ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, ध्यान देना। अब पहले अपन ने बात निकाली थी नोटिस की, भाई मीटिंग बुला रहे तो सूचना देनी पड़ेगी, तब ना लोग आएंगे। तो पहले तो आएगा क्या? नोटिस। उसके बाद ही क्या आएगा? मीटिंग। फिर हम देखेंगे क्या? कोरम। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? नोटिस। सेकंड इज मीटिंग। फिर देखेंगे क्या है, कोरम है कि नहीं। आर यू श्योर? तो मैं कहता हूं, क्या करता हूं मैं, नोटिस भेजा गया, नोटिस क्या किया गया? भेजा गया।
फिर होगी क्या, मीटिंग। नोटिस की डेट है 30 जुलाई 2024। ये कौन सा डेट है नोटिस का, जिस दिन आपने नोटिस भेजा, कौन सा डेट भेजा है? 30 जुलाई 2024 को आपने क्या भेजा कि भाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड की मीटिंग है, आप सबको पधारना है, लंच भी मिलेगा आपको साथ साथ में, बरोबर है क्या? मीटिंग की डेट क्या है एवरीबॉडी? मीटिंग की डेट है, मैं कहता हूं 30 सितंबर, बरोबर है क्या? बहुत अच्छे से टाइम से नोटिस दिया है हम। मैं बताना चाहता हूं मीटिंग के डेट को कंपनी लॉ की भाषा में बोलते हैं अपॉइंटेड डेट। बोलो कौन सी डेट बोलते हैं? अपॉइंटेड डेट। और जिस दिन आप नोटिस देते हो उस दिन को बोलते हैं डेट ऑफ सर्विंग नोटिस। क्या बोलते हैं बोलो? डेट ऑफ सर्विंग नोटिस। डेट ऑफ सर्विंग नोटिस कि आपने कब नोटिस भेजा। बात को सुनना ध्यान से, हाँ एकदम मजे से सुनना। कैसे मजे से? कंपनी ने जब नोटिस भेजा, कंपनी ने क्या भेजा, जब डेट ऑफ सर्विंग नोटिस जो है उस दिन कंपनी के थे 1005 मेंबर। बोलो कितने? ठीक है, जब मीटिंग का डेट आया, अरे हाँ, तो इस बीच में ये जो एरो दिख रहा है इधर इधर, ये जो बीच में समय है, तो जब एक्चुअल मीटिंग हुई उस दिन कुछ हालात बदल गए। कैसे बदले ध्यान से समझना। 1005 अगर मेंबर है, कितने मेंबर 1000, तो कायदा अगर देखोगे, अगर कायदा देखो, मैं आता हूं 103 के सबसेक्शन नंबर 1 पे, के क्लॉज ए पे, के सब क्लॉज नंबर 2 पे, क्योंकि 1000 के ऊपर है और 5000 तक है, बराबर है, तो कितने होने चाहिए? 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, यही है, क्योंकि अप टू 1000, 5000 के ऊपर, 5000 तक 15, तो ये तो 1000 के ऊपर है, कितने होने चाहिए? आर यू श्योर? 100%। अब मीटिंग तक जब पहुंचे उस बीच पे क्या हुआ, जो ऊपर के 5 मेंबर है ना, कितने ऊपर के 5, ऊपर के 5 लोगों ने ये बोल दिया कि यार सुनो ना, हम लोग को पैसे की जरूरत है, हम किसी बाहर वाले को शेयर बेचेंगे, इससे अच्छा तुम ही लोग ले लो जो एग्जिस्टिंग 1000 है। अरे हाँ, कितने मेंबर है टोटल? 1000। ऊपर के 5 वालों को पैसे की जरूरत है, वो अपना शेयर बेच के लिक्विड करना चाहते हैं, इधर उधर कहीं लगाएंगे, धंधे में लगाएंगे, तो ने ऑफर किया कि भाई तुम में से 1000 में से जो लेना चाहता है ले लो। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, 1000 में से लेना चाहता है ले लो एवरीबॉडी। वो 1000 में से, अरे 1000 में से एक आदमी आया, दे दे, बोले पूरा दे दे, पांचों के दे दो साले तुम। अरे हाँ, वो एक आदमी पांचों के शेयर रख लिया पूरे के पूरे, बराबर, कितने बचे? क्योंकि 5 शेयर होल्डर थे, 5 शेयर होल्डर, आज वो अपना बेच दिए शेयर, किसको? एग्जिस्टिंग 1000 में से किसी एक को। अरे हाँ, मीटिंग की डेट में कितने बचे? कितने बचे? डेट ऑफ नोटिस के दिन 1005 मेंबर थे, डेट ऑफ मीटिंग के दिन अगर इसको देखें तो 103(1) सेक्शन 103 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 में बैठता, डेट ऑफ नोटिस को देखें तो सब क्लॉज 2 में बैठता। सवाल आ रहा है सर कौन सी डेट को देखना है, बरोबर है, यही सवाल आ रहा है एवरीबॉडी, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, सवाल क्लियर हो रहा है आप लोग को? अगर सवाल क्लियर हो रहा है तो आंसर भी साथ साथ में लिखते जाइएगा। ऋषभ ऋषि का जवाब आ रहा है सर अपॉइंटेड डेट देखेंगे, कौन कौन ऋषभ ऋषि के साथ है कि सर अपॉइंटेड डेट देखेंगे, यानी कि जो मीटिंग है, उठा ना भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, पहला क्लास है यार। किसको किसको लगता है डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस देखेंगे, जो बिना देखे आंसर कर रहा है कि जिस दिन नोटिस सर हुआ है, क्या नाम है भाई? हाँ, येलो येलो येलो, ईशान, ईशान को लग रहा है और बाकी को लग रहा है कि डेट ऑफ सर्विंग नोटिस रहेगा, बेरक देख लेते, उससे बढ़िया कौन बताएगा। आर यू विथ मी? मैं वापस से आता हूं किस पे, इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ, बरोबर है क्या, एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग अगर नंबर ऑफ मेंबर 1000 के ऊपर नहीं है तो 5। तो भाई साहब मैं वापस में आता हूं, वापस में आके इधर आता हूं, एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग मेरे नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, कितना कोरम होना चाहिए? 15 होना नहीं।
क्योंकि 15 हम तब देखते अगर वो नोटिस के दिन बोलता। ये क्या बोल रहा है? एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग के दिन कितने लोग हैं इससे लेना देना है, नोटिस के दिन कितने लोग हैं इससे कोई लेना देना। तो कायदे से ये बैठेगा सेक्शन 103 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए सब क्लॉज नंबर 1। ये 2 पे बैठने वाला इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि मीटिंग के दिन कितने नंबर ऑफ मेंबर है उस पे फोकस कर रहा है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने मॉड्यूल से इसको क्यों नहीं पढ़ाया। मॉड्यूल दिखाऊं क्या? आर यू श्योर? मॉड्यूल का है ये सेक्शन नंबर 103, पेज नंबर बैठेगा इसका कितना 7.38। ये आपकी मॉड्यूल है क्या? ये आपकी मॉड्यूल में आप देखोगे तो कायदे से यहां पे चीजें खत्म हो रही है। कहीं देख के बताना एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग लिखा है क्या? एक जगह भी आपको एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग लिखा नहीं है। केशव महेश्वरी पूछ रहे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले के लिए भी अप्लाई है क्या ये? बिल्कुल बेटा, ये जो पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा 10 चैप्टर तेरे लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। कहीं दिख रहा है एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग? थोड़ा सा पढ़ना क्या लिखा है। कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग सेक्शन 103। और आगे का पॉइंट छोड़ो क्योंकि मैंने पॉज किया। पब्लिक कंपनी में इतना 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 रहेगा और प्राइवेट में इतना। कहीं पे भी आपको एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग लिखा नहीं मिलेगा। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? अब आप कल गए प्रैक्टिस पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने सारी चीज पढ़ी है, आप भी तो कंप्लायंस कर सकते हो। आपका क्लाइंट आपको फोन कर रहा है भाई कितने आने चाहिए, तो बोले कितने थे, बोले नोटिस जब भेजे 1005, बोले ठीक है 5 कर लो, सॉरी 15, इसको पढ़ के जाओगे तो बराबर। लेकिन यही अपन ने झलक लेके गई थी कि भाई कुछ भी चीज बोलने के पहले एक बार बेयर एक चेक करने का है तो चीजें क्लियर हो जाएगी। कहीं पे भी एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग है ही नहीं, तो इसीलिए अच्छा मॉड्यूल का तुम देख लो, मैं इतनी इतनी बारीक बारीक चीजें पकड़ के घुसा के करेक्ट किया हुआ हूं। हर जगह ऐसे ही आपको मिलेगा एकदम ऐसे अपडेटेड, बरोबर है क्या? अभी खत्म हुआ, आगे भी अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहां पे, वही कोरम नहीं प्रेजेंट है। तो ये अच्छा एक मेरे को बस बात बताना, वो एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग का इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरी 50वीं शादी की सालगिरह और मेरी 50वीं सालगिरह फर्क है। एवरीबॉडी समझ पा रहे हो क्या बोला मैं? मेरी 50वीं शादी की सालगिरह और 50वीं सालगिरह दोनों में क्या है फर्क? एक शब्द के इधर उधर होने से अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। और ये तो कंप्लायंस है, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मीटिंग अगर आपने गलत सजेशन दिया तो वो आपका क्लाइंट परेशान हो रहा है। आपने 15 बोला जबकि चाहिए कितना था 5। तो इसलिए जहां जहां पे भी मेरे को लगता है कि भाई मॉड्यूल की चीजें अप टू द मार्क नहीं है, अपन ने बेयर एक को यहां पे करके लिया। और हेलीकॉप्टर चार्ट तो है ही आपके साथ। एवरीबॉडी थोड़ा सा मूव ऑन करूं क्या? चलिए क्लॉज नंबर बी में आते हैं। क्लॉज नंबर बी में आप देखेंगे, अच्छा पहले एक बात बताओ, क्लॉज नंबर बी में किसके बारे से बात की है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2 से कंपनी बन जाती है। अब एक सोचने वाली बात है, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने और कार्तिक ने मिलकर बना दी, मेरा दोस्त है बराबर। लॉजिकली सोचो क्या कोरम होना चाहिए? खत्म हो गई बात। प्राइवेट कंपनी इज वेरी सिंपल, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी, बराबर है। अबे तुम बनाते ही 2 से हो, अगर तुम 2 होगे तो 2। अच्छा इसमें आपको एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग नंबर ऑफ मेंबर देखने की जरूरत ही मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। कोरम क्या होना चाहिए? क्योंकि तुम मिनिमम 2 से अगर बनाए हो तो फिर 2 ही लगेगा, बरोबर है। यहां तक की चीजें क्लियर है? एक चीज मैंने ऊपर पॉज करके रखी हुई थी, याद आ रहा है? अभी तक अपन ने देखोगे कायदे से डिटेल में क्या पढ़ के लिखा, 103 का क्लॉज ए क्लॉज बी और क्लॉज ए के अंदर सब क्लॉज जो 3 है वो भी, ये डिटेल पे हो गए। अब इस पे और कोई चर्चा की कोई बात? एक चीज ऊपर सबसेक्शन नंबर 1 की जो लाइन थी मैंने पॉज करके रखी थी, कर ले उसको भी इंटरप्रिटेट। क्या लिखा है उस पे? अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ, हिंदी मतलब इसका ये होता है जब तक आर्टिकल के अंदर बड़ा नंबर कोरम का नहीं दिया है तब तक इसको देखना है।
हेलो। अगर किसी ने इसको सही तरीके से समझ लिया तो एक सवाल पेश करना चाहता हूँ। समझ लियो? इजाजत है सवाल पेश करने की? आर यू श्योर? अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड, एवरीबॉडी, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। नंबर ऑफ मेंबर मैं कहता हूं नॉट मोर देन 1000 है। क्या है? नॉट मोर देन 1000। एवरीबॉडी, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, कोरम बताएंगे 103 एक ए के हिसाब से। पांच मेंबर क्या है? पीपी, पर्सनली प्रेजेंट। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड का जो आर्टिकल ऑफ क्या है? एसोसिएशन। मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर लेता हूं, नॉट मोर देन 1000 की जगह सीधा सीधा लिख देता हूं 1000 मेंबर है। कितने मेंबर है? स्पेसिफिक हो गया। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उस पर लिखा है कि कंपनी की मीटिंग का कोरम, मतलब जब मीटिंग आएगी तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जिसको हम कोरम बोलते हैं वो कहता है एटलीस्ट, कितना बता है बोलो ना, 20 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए तो ही मीटिंग कमेंस होगी। हेलो, ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। कौन सी कंपनी की? अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, 1000 मेंबर है। कायदा कहता है 5 मेंबर पर्सनली, लेकिन आर्टिकल में लिखा है कम से कम 20 चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। मेरा सवाल है, और सवाल जब देगा तो हाथ उठा के जवाब देना है, और जिससे पूछेंगे उसको ही जवाब देना है, बराबर है? पहला दिन है, घबराना मत। मैं ऐसे सवाल पूरी क्लास में पूछते रहूंगा। गलत बताने से एग्जाम तक याद रहता है कि गलत बता के ये सही था, नहीं बताने में कुछ याद नहीं रहता। तुमको अटेम्प्ट की भी कसम है, उसकी भी कसम है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बराबर है क्या? बताइए इसका आंसर किसको किसको पता है? ऑनलाइन वाले तो आंसर दे दिया, अश्मित ने भी दे दिया, ऋषभ ने भी दे दिया, संजना ने भी दे दिया, और मानसी ने भी दे दिया, जयराम ने भी दे दिया, कामिनी ने भी दे दिया, किरण ने भी दे दिया, विनीत ने भी दे दिया, बराबर है क्या? तेजल, राइट? तेजल बेटा आंसर बताइए, बैठ के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, यानी कि सर इस कंपनी में मीटिंग में कोरम कितना होगा? क्यों सर ऐसा? क्योंकि सर सब सेक्शन नंबर 1 की शुरुआत ही यहीं से है। अनलेस द आर्टिकल, जब तक आर्टिकल कोई लार्जर नंबर नहीं बताता, तो क्या 5 से ज्यादा लार्जर नंबर था? हाँ, 20। तो जब तक आर्टिकल लार्जर नंबर नहीं बताता तब तक आप देखोगे 5, 15 और 30, लेकिन आर्टिकल क्या है? साइलेंट, कोरम के बारे से कुछ बोलता ही तो 5, 15 और 30। आर यू श्योर? क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से समझ सकता हूं? किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं क्या 103? सर आर्टिकल है, अबे है, आर्टिकल पे क्या दिया बोलेंगे? लार्जर नंबर दिया। लार्जर नंबर कितना? 5 से ज्यादा, 15 से ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा। तो सर हम 103 एक ए के 1 के 2 के 3 को क्या कर देंगे? इग्नोर। क्लैरिटी है? क्या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सर आर्टिकल में अगर लार्जर नंबर दिया है, मेरी कंपनी में सर 1001 मेंबर है, मैं बैठता हूं किस पे? 103 एक के ए के 2 पे, जो कितना बोलता है? 15। लेकिन मेरे आर्टिकल में लिखा कितना? 20। मैं पूरा 103 के एक के ए के 1, 2, 3 पूरा इग्नोर मारूंगा, मैं लार्जर लेगा। कितना? आर यू श्योर? इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर 103 है, अबे है, सर आर्टिकल है, अबे है, लेकिन आर्टिकल क्या है? साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहा है कोरम के लिए। हम देखेंगे कि हमारी कंपनी 103 के 1 के ए के 1, 2 और 3 किस पे बैठ रही है, अपन ये समझेंगे। यानी कि सर अगर आर्टिकल में ज़्यादा नंबर है तो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल में कुछ नहीं है तो 103 तो जिंदाबाद है ही है। बी को घंटा नहीं देखना है, क्योंकि उसमें तो 2 ही बोल दिया है, उसमें तो क्या ही देखना है, बी में कुछ भी नहीं देखना है। अरे हेलो, अच्छा थोड़ा सा इसको और घुमाते हैं, यहाँ तक समझे सबको? आर यू श्योर? 110%। अब अपन कंपनी का स्टेटस बदल देते हैं, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल क्या कर देते हैं? प्राइवेट लिमिटेड। पूरा डेटा दे रहा हूं, हाथ उठा के आंसर करेंगे। एओए क्या है?
साइलेंट है, बराबर है। हाथ उठाइए, बताइए कोरम कितना होगा। हाथ उठाइए, बताइए कोरम कितना होगा। हाँ, रेड जैकेट वाली बेटा क्या नाम है? प्रेरणा। हाँ, प्रियंका, प्रियंका जी बताइए। दो। सर आर्टिकल साइलेंट है, सीधा सीधा दो है। किस पे बैठेगा ये? 103। एक खत्म, इसके सब क्लॉज है ही नहीं। अच्छा, इसी सिचुएशन में मैं थोड़ी सी बदलाव कर देता हूं। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। क्या है बोलो? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे लिखा है। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर भी बता देता हूं, 200 मेंबर है। कितने हैं? हो सकते हैं क्या? इतने ही हो सकते हैं, इसके ऊपर, क्योंकि मिनिमम दो है, मैक्सिमम कितना है? आर यू श्योर? ये भी बात सेक्शन 3 पे लिखी है, मिनिमम दो होगा, मैक्सिमम कितना होगा? आर्टिकल ऑफ, अच्छा कायदे से, अभी कायदा, पहले जनरल कायदा, आर्टिकल के बारे से मान लो आपको कुछ पता। प्राइवेट लिमिटेड है, 200 मेंबर, कितने मेंबर है? 200। कोरम कितना होगा? 2। आर्टिकल साइलेंट है, कितने होगा? 2। आर्टिकल पे लिखा है 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 200 मेंबर है, आर्टिकल पे लिखा है 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। हाथ उठा के बताएंगे कि कितना कोरम होना चाहिए, जिसको पता है हाथ उठा के। बाकी लोग को नहीं पता बेटा? हाँ हाँ, और वो बेटा, हाँ वो जो बीच वाला, हाँ 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 50। क्यों? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है? लार्जर। और शुरुआत ही कहां से हो रही है? अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर, जब तक आर्टिकल पे बड़ा नंबर नहीं दिया है तब तक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक में एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग नंबर ऑफ मेंबर होंगे उस हिसाब से 5-15। और क्लैरिटी है? आर यू श्योर? 100%। बड़ो जीवन में आगे चलिए। तो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कलाकारी को साफ कर दूँ अपनी, एक सेकेंड, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अरे बढ़ेंगे, आर यू श्योर? तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ये सब, और सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 डंडियाँ और बना दूंगा, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज नंबर 3। आएंगे साथ में? ठीक है, आ जाइए। ए बाबा, क्या हो गया इसको? एक सेकंड ना, हमारा नोटपैड अपडेट ले रहा है, गलत समय में अपडेट ले रहा है। आप तब तक सब क्लॉज 1, 2, 3 बनाइए। हाँ बिंदास जाइए सर, नेचर्स कॉल को कोई नहीं रोक सकता। चलिए, हाँ जी, किधर गए रे बेटा तू? चलिए हम बनाएंगे क्या? सब क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 2 और बनाएंगे क्या बोलो? सब क्लॉज नंबर 3। यहां पे अपन क्या लिखेंगे? अप टू, बोलो ना, 1000। क्या चाहिए? 5 मेंबर पीपी। अच्छा, और एक बात, ऊपर पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो अपने को क्लियर है कि अपन किसका देख रहे हैं। ठीक, सेक्शन 103 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 हो गया। सब क्लॉज नंबर 2 बताएंगे क्या है बोलो? 1001 से लेके 5000 है, तो कितना? 15 मेंबर पीपी। फिर अपने पास क्या लिखा है बोलो? मोर देन कितना है? 5000। बोलो कितना? 30 मेंबर पीपी। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? नंबर ऑफ मेंबर हमको कब देखना है? एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, ये अलग से मैंने लिख दिया ताकि आपको ख्याल भी रहे। यहां तक की चीजें क्लियर है? येलो टी शर्ट बेटा कॉपी नहीं लाया क्या आज? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आर यू श्योर? कर लो ऊपर नीचे? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट आपने लिख लिया क्या? ठीक, आते हैं किस पे? क्लॉज बी में, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू मेंबर पीपी, खत्म। आपके इधर जगह है क्या जहां पे मैंने एडजन लिखा हुआ है? वहां नीचे कुछ तो जगह होगी आप लोग के, होगी ना? नहीं होगी तो चलो बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि ये दो और तीन बच्चा है, फिर अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर है? आर यू श्योर? अब साथ साथ में क्या नोट करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये 103 के जो दो चार्ट है, आर्टिकल पे लार्जर नंबर दिया है तो उसको इग्नोर कर देंगे, नीचे आर्टिकल साइलेंट है तो फिर उसको देखेंगे। देखेंगे का मतलब क्या है? राइट कर दो, बरोबर है क्या? क्योंकि ये साइलेंट है, ये भी बना लो ताकि आपका जो पहली लाइन है वो क्लियर हो जाए। किसी को राइटिंग मेरी समझ में ना आए तो मुझे बता देना। भाई ब्लेजर वेजर उतार दूं क्या मैं? चलेगा ना तुम लोगों को? पहले दिन बोले बिना ब्लेजर के आगे, क्या गर्मी लग रही बहुत जोर से। तुम लोगों को गर्मी लग रही है? नहीं लग रही है? कुछ कोई लोग हाँ बोले, वो हॉट लोग है वो। सॉरी सर, बुक्स कब तक आएगी? बेटा तूने जब से ऑर्डर किया था वहां से मोटा मोटा 10 दिन। सर ये चार्ट में 130 एक डाल दे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना ऐसे? हाँ 103 एक, बेटा वो टाइपो एरर है तेरा। हाँ ऐसे आप लिख सकते हो कि भाई 103 एक बाजू में लिख दिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो करीना कपूर जी, सही बोल रही है बेबो। सर स्लो मोड में मैसेज नहीं हो पाता है, ठीक है बेटा, बहुत सारे मैसेज होते, थोड़ा हमारा भी ख्याल रख, हर चीज रफ्तार पे अच्छी नहीं लगती। सर लाइव की टाइमिंग कब रहेगी रोज ऐप में? बेटा सेम टाइम, पत्थर की लकीर है बेटा, ये टाइम के अलावा और कोई टाइम हो ही नहीं सकता। कंपटीशन देख रहा कितना है? हाँ हुआ यहां तक, ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अपन अपनी क्या पढ़े अभी? 103 क्लियर हो गया पूरा? अभी तुमको तुमको याद करने का जरूरत है? बताओ मुझे अभी, तुम ऐसे तुम्हारा मुंह जुबान पे आएगा। सेक्शन 103 एक, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर लार्जर नंबर, क्लॉज ए, क्लॉज के साथ याद रहेगा। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000, सब क्लॉज 2, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000 एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग एक्सीड्स, खत्म। क्लॉज बी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी कोरम फॉर द मीटिंग, खत्म। क्या याद रखना है? कुछ नहीं, तरीका ये होना चाहिए बस, खोल के समझ के कि कहाँ क्या लिखा है, पहले एक बार ब्लूप्रिंट लिया, फिर उस पर धीरे धीरे भरा चीजों को, ऐसे इस प्रोसेस ऐसे बैठते हुए जाता है ऐसे जहन के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? अब अपन फाउंडेशन पढ़े, फाउंडेशन में अपन क्या पढ़े बच्चों? करीना कपूर ने इसको बोला कॉफी में आओगे, बोले नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर हुआ, कॉन्टेक्ट घंटा। हाँ समझ रहे हो, वो एग्जाम्पल में बड़ा मजा आया, लिख दिए, क्या घुसा, क्या कीवर्ड, क्या किधर, कुछ समझता है क्या? नहीं, वही अप्रोच अपने को यहाँ पे छोड़ देनी है, क्योंकि अभी क्या है इंटर, यही अप्रोच से जाओगे बहुत मजा आएगा। अभी देखो तुम 103 का एक पढ़ाने में, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के 20 मिनट मैंने तुमको अपना भाषण दिया होगा क्या क्या कर रहा हूँ करके, मैं एक घंटे से 103 एक चल रहा है, लेकिन वो एक घंटा डालने से मजा है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके हर इस पे चार्ट दिया हुआ है, बताया था क्या? यही बोल बोल के तो प्रमोशन किया हूँ ना, हाँ ऐसे ही था ना। तो देखो ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है तुम्हारे पास, ये तो मैंने तुमको बना दिया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक तुम करोगे नीचे, पब्लिक कंपनी में कैसा क्या, जो मैंने आपको बना दिया है। जब आप चार्ट देखोगे कि हाँ पब्लिक कंपनी, खट से अंदर याद आएगा 5-15,
प्राइवेट कंपनी दो, नीचे व्हाट इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट तो क्या हो जाएगी एडजर्न। नीचे लिखा है प्लस करके लिखा है क्या प्रोविजो, प्रोविजो मतलब प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट यानी कि कुछ और जानकारी सुन के जाइए। पढ़े आगे पढ़े, सबसेक्शन टू में क्या था, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट किधर विद इन हाफ एन आवर, कहां से हाफ एन आवर अपॉइंटेड टाइम से, कहां से जिस दिन मीटिंग होती है उसको बोलते हैं अपॉइंटेड डेट, जिस वक्त मीटिंग होती है उसको बोलते हैं अपॉइंटेड टाइम। तो अपॉइंटेड टाइम से अगर आधे घंटे में कोरम नहीं आया, यानी कि अगर आपके 1000 मेंबर है और 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हुए, मीटिंग क्या होगी एडजर्न। एडजर्न का मतलब कैंसल नहीं, एडजर्न का मतलब क्या है, अब एडजर्न कब होगी तो बोले सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक। ओबेरॉय होटल पे थी, कौन से दिन को थी, मंडे, कितने बजे थी 11, तो ओबेरॉय होटल में ही होगी, अगले मंडे होगी और 11 बजे होगी, एडजर्न हो जाएगी। अब वो प्रोविजो में क्या लिखा है उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि आज अपन सिलेबस शुरू, आज तो अपन पढ़ने का क्या सीख रहे हैं तरीका, क्लैरिटी है आप लोगों को, शुरू करूं मैं जीवन में आगे। चलिए एक बार आओ तो फटाफट पढ़ना क्या लिखा है, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ द कोरम इज कितनी देर में विद इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर कहां से बोलो फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया अपॉइंटेड टाइम फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, द मीटिंग शैल स्टैंड सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड प्लेस। आगे पढ़ने की जरूरत क्योंकि अपन आज क्या सीख रहे हैं तरीका, जब 103 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको अच्छे से, पूरा 103 पढ़ाने में 2.5 घंटे लगते हैं मेरे को, पूरा क्लास जाता है। अभी तुमको लग रहा होगा आज पढ़ लिए 1 घंटा तो हो गया 1 घंटा, अभी आगे का बचा है ना 1.5 घंटा, जो आगे की चीजें तब पढ़ेंगे जब आएंगे अपन, आज क्या पढ़ रहे हैं तरीका, बरोबर है क्या। उस समय एक और मजे की भी बात बताऊंगा, यहां तक की चीजें क्लियर हुई तो अब आपके यहां पे कोई जगह बची क्या, थोड़ी सी बची होगी तो वहां पे आप क्या लिखोगे, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, वहां पे आप लिखना फटाफट। हाँ जी, तो एडजर्न होगी बराबर है, क्या होगी एडजर्न, कब होगी नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक में सेम प्लेस सेम टाइम और सेम डे, बरोबर है दोस्तों, नेक्स्ट वीक में सेम प्लेस यानी कि ओबेरॉय, सेम टाइम यानी कि 11 बजे और सेम डे यानी कि आज जो दिन था, अगर मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, क्लियर है दोस्तों, आर यू श्योर। बढ़ो जीवन में आगे, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट आपको चीजें क्लियर है, ठीक है, बढ़ो जीवन में आगे। तीसरा सबसेक्शन क्या बोल रहा था, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो क्या होगा, बरोबर है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर से एडजर्न, तो बेटा ये तो गोल गोल रानी इतना इतना पानी खेलते रहेंगे हम लोग। अब हर बार क्या हो रहा है कि भाई 1000 मेंबर है, 5 आने चाहिए, कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी कभी 1 भी आ सकता है, हाँ कि ना, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या होगा, तो आओ बेरक पढ़ लेते फटाफट, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या पढ़ रहे, सबसेक्शन नंबर क्या लिखा है, इफ द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द, दो आए तो वही दो कोरम कहलाएंगे, तीन आए तो वही तीन कोरम कहलाएंगे, मुझे पता है आपके दिमाग में आएगा कि एक आया तो भी कोरम कहलाएंगे, लेकिन एक बच्चे का जबरदस्त डाउट आया था मेरे पास, तुमको एकदम आनंद आएगा सुन के कि सर आपने बोला एक आए तो भी कोरम माना जाएगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा है एस, तो दो आने चाहिए। तो जब मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ाऊंगा जो आपके अदर लॉ के अंदर है, या मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा जो अदर लॉ के अंदर है, वहां पे लिखा है कि इस एक्ट के अंदर बहुत जगह प्लूरल वर्ड यूज किया आप उसको सिंगुलर पढ़ सकते हो, और कई जगह सिंगुलर वर्ड यूज किया आप उसको प्लूरल पढ़ सकते हो, परिस्थिति अनुसार, कैसे अनुसार, और परिस्थिति अनुसार यहां पे मैं प्लूरल को सिंगुलर पढ़ के भी एक मेंबर को भी पर्सनली प्रेजेंट करवा सकता हूं, ये तब पढ़ाऊंगा आराम से, बट जस्ट तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा कि ऐसा होगा तो क्या, तो वो वहां पे आके क्लियर हो जाएगा। आज अपन सिलेबस सीख रहे हैं, आज अपन तरीका पढ़ रहे हैं, तरीका समझ में आ रहा है, आर यू श्योर। तो कोरम अगर नहीं है एडजर्न मीटिंग में भी तो जितने मेंबर है उतने क्या कहलाएंगे कोरम, आर यू विद मी दोस्तों एवरीबॉडी, ठीक है।
सर सबसेक्शन तीन में मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, ऑब्वियसली बेटा एडजन मीटिंग है, पिछले में पर्सनली प्रेजेंट नहीं थे बोल के ना एडजन किए थे, बरोबर है क्या? ठीक है, एक बच्चे का और युद्ध स्तर पर डाउट आ रहा है, सर कोई नहीं आया तो क्या होगा? नहीं होगी मीटिंग, सीधी सी बात है, बरोबर है, मीटिंग क्या होगी? नहीं होगी, उसके परिणाम समझेंगे आराम से, ठीक, जीवन में आगे बढ़े। तो अब यहां पे आपने लिखा था व्हाट इफ, क्या लिखा था? व्हाट इफ, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, लिखेंगे नीचे उसके मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, बरोबर है दोस्तों? हेलो, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, क्लियर है? सर क्लास कभी कभी एक्सटेंड होती है? नहीं बेटा, एक्सटेंड करने का स्कोप नहीं है मेरे पास, ये लोग भी तो बेटा दूसरी क्लास जाएंगे ना, फेस टू फेस वाले हैं, कोई एक्सटेंड नहीं होगी, 8 से 8 शुरू होगी और 10:15 अपनी खत्म होगी, बराबर है भाई? तुम लोग को भी थोड़ा सा ब्रेक लगेगी, ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई, खत्म हो गया 103, क्या हो गया 103? बोलो एक बार, देखो याद आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 100, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर, ये सब सेक्शन नंबर 1 था, क्लॉज 8, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ मेंबर, इफ द एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन कितना 1000, सब क्लॉज नंबर 2, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000, तीसरा 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग एक्सीड कितना, क्लॉज बी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द, बट क्लॉज ए और क्लॉज बी इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स मतलब इसको पढ़ने के पहले क्या पढ़ना, आर्टिकल, अगर आर्टिकल में ज्यादा नंबर दिया है तो भूल जाओ 103 के 1 और ए के और बी को, बरोबर ए और बी भूल जाएंगे, अगर आर्टिकल पे ज्यादा नंबर दिया है तो, आर्टिकल पे ज्यादा नंबर साइलेंट है तो भाई ए और बी को पढ़ लो फिर, आर यू श्योर? फिर सब सेक्शन नंबर क्या है 2, बोलो ना क्या है, इफ कोरम इज, इफ कोरम इज कितनी देर में, विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न, द मीटिंग शैल स्टैंड सेम प्लेस सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक, आर यू श्योर? सब सेक्शन नंबर क्या है 3, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, अरे बोलो ना, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द कोरम इज द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, क्लियर है? यही तरीका होना मांगता। अब बात आती कि सर अपनी भाषा पे लिख सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, बेहतरीन अपनी भाषा में लिखेंगे, बराबर है क्या? सबसे पहले कीवर्ड निकाल लेंगे, क्योंकि कीवर्ड अपनी भाषा में नहीं चाहिए, अपनी भाषा में कीवर्ड को छोड़ के बाकी सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन कीवर्ड अपनी भाषा में नहीं चाहिए। अब एक एक करके आते हैं, आपने सब लिख लिया, लिखो कीवर्ड्स ऑफ सेक्शन 103, कीवर्ड्स ऑफ सेक्शन 103। यस सर, मजा आ गया, फुल क्लियर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, तुम्हारा आनंद लेके पढ़ने में तो मेरे को मजा आता है, बहुत शानदार। 701 के तादाद में जुड़े हुए हैं, लाइक भी 701 करो भाई, 634 ही है वो। हाँ, अब आप खुद सोचो आपके हिसाब से कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला तो अनलेस द आर्टिकल्स, आगे की चीज अपने आप याद आएगी कि आर्टिकल में जब तक लार्जर नंबर नहीं तो पहला कीवर्ड लिखो अनलेस द आर्टिकल्स, शुरुआत आपकी यहीं से होनी चाहिए, बरोबर? एक एक करके बोलते जाते और छाटते जाएंगे कीवर्ड को, आप बताना क्या रहेगा। अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर तो अपने आप याद आएगा, फिर क्लॉज ए भी अपने आप याद आएगा, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी क्लॉज बी भी याद आएगा, इन केस ऑफ क्या प्राइवेट कंपनी, पूरे के पूरे इस पे आगे जब क्लॉज ए के अंदर 1, 2, 3 है तो गिनती बताए, गिनती तो वैसे दिमाग में फिट बैठ गई है, कीवर्ड क्या है इस 1, 2, 3 में, कीवर्ड क्या है पर्सनली प्रेजेंट, दूसरा कीवर्ड और तीसरा कीवर्ड एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, लिखिए दूसरा कीवर्ड पर्सनली प्रेजेंट और तीसरा कीवर्ड क्या है एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, बरोबर है?
आगे बढ़ते हैं। और कुछ कीवर्ड बचा है क्या? वन के अंदर ए हो गया, ए के पब्लिक कंपनी है, ए में 1, 2, 3 हो गया, बी हो गया प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी कोई कीवर्ड नहीं है। आता है दूसरा, दूसरे में क्या लिखा है? नहीं, पूरा पूरा सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, हाफ एन आवर अपने आप याद आएगा कि आधा घंटा चाहिए, तो लॉजिकल है कि भाई आधा घंटा तो रुकोगे। हाफ एन आवर, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम। चौथा, अपॉइंटेड टाइम, पहला लिखा ना अनलेस द आर्टिकल, उस पर कवर होगा ना राजा, ठीक है। और मजे की बात, बराबर है। अब अगर देखो, आपने अगर ये अपॉइंटेड टाइम आपके दिमाग में कीवर्ड नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखते हो? मैं आपको बता रहा हूं, मैं पेपर चेक किया हूं तो मेरे को पता है। बच्चा लिखता है इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम फिक्स्ड। समझ में आ रही बात? और फिक्स्ड इज वेरी जनरल वर्ड, और लॉ के लैंग्वेज में क्या बोला है? अपॉइंटेड टाइम, कि भाई ये टाइम अपॉइंट किया था उससे आधे घंटे में, तो वो जनरल भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो एक तो हो गया क्या? अपॉइंटेड टाइम। दूसरा इस पे आया द मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न, यानी कि वो मीटिंग स्थगित हो जाएगी आने वाले समय के लिए, स्टैंड एडजर्न। तो आपका कितना, कौन सा कीवर्ड हो गया ये? अभी तक कितना हुआ है? तो पांचवा हो गया स्टैंड एडजर्न। ये देखो यहां पे आपको दिखेगा द मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न, बराबर। आगे की चीज अपने आप याद आएगी, नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, कोई उस पर, उसमें कोई कीवर्ड वाली बात नहीं है। क्या तीसरे में कोई कीवर्ड आएगा? कुछ नहीं आने वाला, हो गया खत्म भाई, खत्म। अब पहले थोड़ा सा तुम्हारे को और टेस्ट कर लेते, फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। अब कीवर्ड तुम्हारे सामने है, कौन तुमको रोक सकता है इन कीवर्ड के दम में लिखने के लिए, मेरे को बताना। दिस विल बी द राइट अप्रोच, आगे बढ़ता हूँ जीवन में, फटाफट बढ़ू क्या? आर यू श्योर? ठीक है, एक ही सेकेंड। कुछ MCQ मैंने बनाए हैं, क्या किए हैं? बनाए हैं। अच्छा सर, ये पहले दिन का MCQ है, तुमको ये सब बताना था, तो किसी को भी ये चाहिए होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बरोबर है क्या? वैसे तो तुम्हारे MCQ बुकलेट दिया हुआ है, सब कवर है उसमें, बरोबर। जस्ट इन केस आज की क्लास का किसी को चाहिए होगा तो यहाँ पे हाथ उठा के आंसर करेंगे, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें क्या है, क्लियर। और आपको उसकी कसम है, अटेम्प्ट की भी और उसकी भी, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, बरोबर है क्या? पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरम रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी इज, क्या लिखा है? करेक्ट। इससे ये समझ में आता है कि सर 4 में से 3 गलत है और 1 सही है, बरोबर है ना? करेक्ट पूछ रहे हैं तो चारों सही होंगे, तो 4 आंसर तो नहीं होंगे। 4 में से 3 क्या है? गलत, और 1 क्या है? सही। आओ समझ के लेते हैं, आप ही पढ़ लो और आप ही बता दो आंसर। पढ़ो चारों के चारों ऑप्शन और हाथ उठा लेना जिसको जिसको सवाल का जवाब मिल गया है। ऑनलाइन वालों का तो आंसर आ गया है, भूमिका का आ गया है, अश्मिता का आ गया है, महक कारला का आ गया है, ऋषभ ऋषि का आ गया है, संजना का आ गया है, CMA जर्नी करके एक बच्चा आया है, हिमांशु जैन है, प्राची है, निहारिका है, यादव जी है, अनन्या जी है। आप सबके आंसर सही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऑनलाइन वाले तो पकड़ लिए। विनीत हो गया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे मोदी जी। हाँ हाँ बेटा, खंडवा वाली बच्ची कॉर्नर, क्या नाम है पहले बता? पूजा चौधरी जी आंसर बताएंगी, बताइए। सी सही है, सी पे लिखा है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता हाफ एन आवर में फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड द मीटिंग शल स्टैंड एडजर्न। अब मैं सही आंसर तो आ गया, अब ए बी और डी पे क्या क्या गलत है ये बताइएगा। ए में क्या गलत है, हाथ उठाइए। हाँ यस, नेहा जी, ए में क्या गलत है? कितने मेंबर होने चाहिए? 30 होने चाहिए, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, एक्सीड है, तो 30 होना चाहिए, लिखा है 10, तो ये गलत है। मंतेक जी, बी में क्या गलत है? प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स अ मिनिमम 3 लिख दिया है, होने कितने चाहिए? 2, तो ये गलत हो गया। डी पे क्या गलत है, हाथ उठा के कोई? हाँ, लास्ट बेंच, वो स्पेक्स लगाए हुए, यहां पे लिखा स्टैंड एडजर्न और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कैंसल। कैंसल मतलब होएगी ही नहीं, जबकि होती क्या है? एडजर्न। एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक की चीजें? बढ़ो जीवन में थोड़ा सा आगे। चलिए, ये सी सही आई, आंसर तो नहीं देखे तुम लोग, दूसरे वाले का ध्यान देना, हाथ उठा लेना वापस से। मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी फॉर जनरल मीटिंग इज, हाथ उठाएंगे और आंसर करेंगे। ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे बेटा, ठीक है? आंसर आ गया आप लोगों को? लास्ट वाला बच्चा, एकदम लास्ट वाला। हाँ
ए नहीं होगा क्यों? पहले प्राइवेट लिखा है फिर पब्लिक लिखा है, तो प्राइवेट में मिनिमम कितने चाहिए? दो, और पब्लिक में कितने चाहिए? पांच। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते फटाफट, यहां बताना, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग कितने मेंबर? 2500। क्या लिखा है? एज ऑन द कोरम शैल बी डैश मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, हाथ उठा के। हाँ, ये क्या नाम था आपका? प्रियंका, प्रियंका के पीछे वाला। हाँ, क्या नाम है आपका? अब है बताइए। 15, 30 नहीं होगा क्यों? 5000 से कम है, इसलिए यहां पे 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। क्लियर है यहां तक की चीजें? चलिए एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं आपकी, क्वेश्चन बैंक है, आप लगे तो रेफरेंस में लिख लेना कि क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर ये पे है, और ये एमसीक्यू तो बाय डिफॉल्ट आपके एमसीक्यू पे है। वो क्वेश्चन दिखा के मैं आपको आंसर भी लिखवाऊंगा इन्हीं कीवर्ड्स के दम पे, बरोबर है क्या दोस्तों? चलिए फटाफट आते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में आ गए अपन इधर, क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 6 ऑफ चैप्टर 7 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 6 ऑफ चैप्टर 7 में क्या मिलेगा? एक सवाल। यस, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, आप सब करेक्ट हो। लक्ष्मी, मेघा जी, किरण जी, आशुतोष कुमार, सोनम सिंह, आप सबका आंसर करेक्ट है। बढ़ू जीवन में आगे दोस्तों। चलिए इस पे एक सवाल आएगा, क्या लिखा है? देयर आर 54 मेंबर्स, कितने मेंबर बोले? 54 मेंबर्स। कहां पे? नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट है। कंपनी कॉल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग कब? फ्राइडे को। फ्राइडे को कितने बजे? 7 जुलाई 2022, 2 बजे बुलाए हैं कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्लियर है? देयर वेर 28 मेंबर्स प्रेजेंट टिल 2:30 PM, बराबर है, यानी कि 2 बजे था तो 2:30 बजे तक कितने लोग आ गए? 28 लोग। कितने लोग आ गए? और मेंबर्स प्रेजेंट लिखा है, मेंबर्स यानी कि जो खुद है वो ही आया है, बराबर है? ठीक है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो था, यानी कि जो मीटिंग को आगे बढ़ाएगा, उसने प्रोसीड किया, और जो भी उनको निर्धारित डिसीजन लेने थे, रेजोल्यूशन पास करने थे, कर लिया। आपको कमेंट करना है क्या मीटिंग बराबर हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हुई है? मैडम, मीटिंग हुई है 2013 के हिसाब से? आप हाँ, तीसरे नंबर पे यहां से। हाँ ये बेटा, ये मीटिंग हुई है बराबर? क्यों नहीं हुई है? अब मैं पूछ दिया हूं बोल के उल्टा आंसर नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा, 54 मेंबर्स है। अच्छा तुम यार पहले बताओ, हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। क्यों हुई है? अबे 54 मेंबर्स है, आर्टिकल के बारे से कुछ लिखा नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, कितने आए? 28। फोकट का डेटा देके तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बरोबर है? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं मैडम आप? हाँ, वही तो मैं क्लियर किया था अभी कि मेंबर्स प्रेजेंट लिखा है, मतलब मेंबर्स जो खुद हैं वो आए हैं, बराबर। अगर उसको प्रॉक्सी वाला कुछ देना होता तो लिखता कि इसके बिहाफ में ये आया है, 14 लोग ये हैं, 14 लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया है, मेंबर्स प्रेजेंट लिखा है, बरोबर। तो क्या इस प्राइवेट कंपनी ने सही तरीके से मीटिंग की है? क्लियर है? ये फोकट का आपको घुमाया, 54 मेंबर थे उसमें 28 आए, चेयरमैन ने ये भी कर लिया, बताओ क्या हुआ? हुआ ना, बराबर हुआ। अपने को कितने चाहिए थे? 2। आर्टिकल के बारे से कुछ बोला नहीं है। क्लियर है? आर यू श्योर? ये सेम सवाल आपके मॉड्यूल के पीछे भी दिया हुआ है। मई 2024 में एक सवाल और पूछा था इस पे कोरम के ऊपर, उसको अपन आराम से करेंगे क्योंकि बाकी चीजें पढ़ना बाकी है। गजब सेक्शन है, बरोबर है क्या? यहां तक की चीजें क्लियर? अब अगर इसका आंसर करना है तो कैसे करेंगे आप आंसर? हाँ, अभी आपको कुछ चाहिए सोचने समझने के लिए कि आंसर कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से पूरा पूरा 103 का एक का ए 1 2 3 लिखने की जरूरत, 103 ए का बी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम, इन द इंस्टेंट केस प्राइवेट कंपनी इज हैविंग 54 मेंबर्स, अरे हाँ कि ना, 28 मेंबर्स वेर पर्सनली प्रेजेंट, हाँ कि ना, देयरफॉर कंपनी इज इन कंप्लायंस इन सेक्शन 103 ए का बी, देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन एट ऑल, खत्म। अरे हाँ, कहीं रुकने वाली नहीं है चीजें। अब क्योंकि आंसर राइटिंग करवाने वाला हूँ, अरे हाँ अभी लिखेंगे इस पे, कुछ है नहीं इसमें लिखने के लिए, बट कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ क्योंकि अब आंसर राइटिंग की बात आई है, तो थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ।
ये जो गाइडेंस है, समय बचेगा आंसर लिखवाने के बाद तो अभी नोट करवा दूंगा, नहीं तो कल नोट करवाऊंगा, पहले आंसर नोट करवाऊंगा, बरोबर है क्या? चलो बात को ध्यान से समझना। वैसे तो फाउंडेशन वाले इस चीज को जानते होंगे, बट क्योंकि ये पहली क्लास और इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूं। क्या लिखा है देखेंगे क्या? गाइडलाइंस फॉर प्रेजेंटिंग लॉ आंसर इन एग्जाम। एक एक करके फटाफट बोल देता हूं, इसको मैं चाहता हूं कि आप लिखोगे अपनी कॉपी में और क्लियर रहोगे इन चीजों के लिए, बराबर है क्या? ठीक है। विनीत त्यागी कह रहा है कि खेल गए इंस्टीट्यूट वाले। हाँ बेटा ऐसे ही खेलते वो। ठीक है सर, आपका वीडियो ब्लर हो रहा है। हाँ बेटा थोड़ा सा आगे पीछे जाता हूँ, बीच में ब्लर होता है, आवाज ब्लर नहीं होगी, बस उसको ध्यान दे बेटा। ठीक, आओ सबसे पहले क्या लिखा है? कोई फॉर्मेट नहीं है भाई। बच्चा पूछता है सर कैसे लिखना है, और तुमको फाउंडेशन में कूट कूट के बताया, पहले हेडिंग लिखना है प्रोविजन, फिर लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर लिखना है क्या कंक्लूजन। आज तक तुमने इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में देखा अलग अलग से? सिंपल आंसर होना चाहिए जो एग्जामिनर को क्या करे, कन्विंस। अभी बताऊंगा कैसे करना है, बरोबर है क्या? एकदम सिंपल भाई, प्लेन सिंपल। ज्यादा तामझाम करोगे ना उसको भी लगता है पढ़ा तो एक भी नहीं, हवाबाजी दस कर रहा, बरोबर है क्या? एक दूसरा, देयर इज नो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रिगार्डिंग लेंथ ऑफ द आंसर। बच्चा पूछता है 6 मार्क्स का आया सवाल तो कितना लिखना है, 7 में कितना लिखना है? नहीं भाई, आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, आप इंटरमीडिएट में भी अभी हो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर एक बार निकाल के देखो। 6 मार्क्स के आंसर भी उनने 2 पैराग्राफ में खत्म कर दिए, 4 लाइन का प्रोविजन, 4 लाइन का कंक्लूजन, खत्म। हेलो, तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स के ऊपर आपकी लेंथ डिपेंड करेगी, मार्क्स पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन ने कितनी टेक्निकल तरीके से सवाल पूछा है, उतना उसका मार्क्स रहता है, बरोबर है क्या? तो ये अदर चीजों में कि कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कंक्लूजन आपको कैसे देना है, वो आपका आंसर। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। तीसरा, सेक्शन लिखना अनिवार्य है। मैं फाउंडेशन में भी बोलता था, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ। 100 बच्चा क्लास में बैठा है, 20 के कॉपी में सेक्शन लिखा रहेगा, उसका वजन अलग रहेगा, मतलब रहेगा इंस्टीट्यूट के हर सजेस्टेड आंसर में बिना सेक्शन के आंसर है क्या? इंस्टीट्यूट सजेस्टेड मतलब क्या, सुझाव, इस प्रकार के आंसर आप लिखो, वो खुद बोल रहा है या सेक्शन लिखो? टीचर बोल रहा है नहीं फाउंडेशन में चलता है, सेक्शन नहीं लिखना तो चलेगा। इंस्टीट्यूट बोल रहा है मैं सजेस्टेड आंसर में लिख रहा है सेक्शन, फिर भी बोल रहा है कि नहीं सेक्शन चलता है, नहीं लिखोगे तो। भाई तुम लॉ पढ़ रहे हो, बिना सेक्शन के पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? अबे हेलो, सांस लेना इज अ सेक्शन लॉ के केस पे, सांस ही नहीं ले रहे तो क्या कर रहे? तो सेक्शन लिखना पड़ेगा, और सेक्शन आपको मैं क्लास पे ही याद करा दूंगा, आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली फाइन है, अगर खुद की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बस एक ही चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? कीवर्ड्स। आर यू श्योर? ठीक, फिर आता है ऊपर की गाइडलाइन फॉलो करोगे तो मुझसे बेहतर आंसर लिख सकते हो। और गोल्डन रूल क्या है? आंसर आपका बस क्या होना चाहिए? कन्विंसिंग। एग्जामिनर को देख के अरे वाह गजब हो गया, ऐसा उसको फील आना चाहिए, हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमेशा मैं इस प्रेजेंटेशन की बात में हमेशा एक बात मैं दोहराता हूँ, एक जेन है UPSC में, उसने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। तो जब वो इंटरव्यू देने आया था, एजुकेट करने आया था सारे कैंडिडेट जो अभी तक UPSC क्लियर नहीं किए, वो भरी सभा में यही बोल रहा था कि आप जितने लोग हैं उनके पास मेरे से ज़्यादा समझ है, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, बट मेरे पास आंसर को प्रेजेंट करने की कला है जो शायद आपके पास नहीं है। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास नॉलेज कितना है, इससे चेकर को कोई लेना देना। ऐसा तो नहीं कि पेपर खोला बोले आह क्या नॉलेज आया, ना तो उस पर आपका नंबर है, ना तो उस पर यह लिखा है कि मैंने पूरी मेहनत की, मैं रेगुलर क्लास वालों में, यूट्यूब का मैराथन वाला नहीं हूं, थोड़ा हिसाब से चेक कर भाई मेहनत की, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं ना, ना तो एग्जामिनर के कोई इमोशन है, कुछ नहीं है उसके पास, उसके पास है आंखें और उसके पास है आपका पेपर। जितना प्यार मोहब्बत से कन्विंसिंग पॉइंट वाइज प्रेजेंटेबल आंसर रहेगा उतने मार्क्स मिलेंगे। चेकर को आपके पेपर चेक करने में तकलीफ हुई, आपके मार्क्स में तकलीफ आएगी। अरे हेलो, मैं हमेशा ये बात आपको बताया हूँ और बताना चाहता हूँ, भाई सोचना, यहाँ से पेपर आपका कलेक्ट हुआ, लॉट्स में कहीं एक जगह इकट्ठा होता है और रैंडम लॉट्स में जाता है कहीं ना कहीं किसी के पास चेक होने के लिए, जो भेज रहा है उसको भी नहीं पता है सफल होने के बाद किसके पास कहाँ गया पेपर। अब जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में आपका पेपर लगा वो बीवी से लड़के आया, एक दूसरे का पेपर क्या उसका मूड बढ़िया है, बैचलर है वो, रात को ही पार्टी किया था,
साइकोलॉजिकली बहुत फैक्टर मैटर करेगा, ये वो किस मूड से पेपर चेक कर रहा है, किस किस मानसिकता से चेक कर रहा है। अब तुम उसकी मानसिकता तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कंट्रोल कर सकते हो ये भाई तेरा मूड अपनी तरफ, ये सादा है। और देखना ज़्यादा खिचड़ी होती तो चिड़चिड़ होती है, चेक करने में क्या लिखा है, और वही खुला खुला है, एरी एरी है, स्पेशियस है, हाँ पढ़ने को आ रहा है ना, जा रहा है दिमाग में, भले उसका दिमाग खराब है, ओके पढ़ा है ठीक है। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर मैटर करेंगे, तो प्रेजेंटेशन भयंकर इम्पॉर्टेंट है। बरोबर, मेरे को बच्चा फाउंडेशन में कहता है सर मेरे को सब आता था, मैं 86 मार्क्स का 96 मार्क्स का 96 मार्क्स का अटेंड करके आया हूँ सर, फिर भी मेरे को 50 मिला। आप एक बार कॉपी उठा के चेक करवाइए। एक बच्चे ने मेरे को पेपर भेजा सीए इंटरमीडिएट का, मई 24 का रिजल्ट था उसका, 58 मार्क्स थे उसको, कितने लॉ पे, तो लॉ पे पास, बाकी पे फेल था एग्रीगेट पे। उसने एक सवाल भेजा कि सर देखो बोनस इशू के ऊपर सवाल आया था सीए इंटरमीडिएट की, बोनस इशू करना है, अगर बोनस शेयर इशू करना है तो लॉ के कौन कौन से कंप्लायंस रहते हैं। कहता सर पूरा पॉइंट वाइज सारी बातें सही लिखा हूं, मेरे को 5 में से सिर्फ 2 मार्क्स दिया है, कम से कम 4 देगा तो मेरा 60 बन जाएगा, मेरा लॉ क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। सर्टिफाइड कॉपी मंगाया, ऑफिस में पेपर भेजा, कहता सर चेक करिए, पहली बात तो होना जाना कुछ नहीं है, मैंने पेपर चेक किया उसका बराबर। तो आपको अगर पता होगा बोनस, आपने इधर अकाउंट्स में कभी पढ़ा होगा कि पहले बात तो आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, दूसरा जब तक एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड नहीं है तब तक आप बोनस नहीं दे सकते, ये थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जब झलक बता रहा हूँ, पढ़ाने वाला कोई संबंध नहीं इसमें। उसके पॉइंट में क्या लिखा है, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर अनटिल एंड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर्स इज कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब एक कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं कि पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट करना है, वो बोल रहा है कि जो पार्टली पेड है उसको फुल्ली बनाओ, कन्वर्ट की बात कहां से आ रही है। कन्वर्ट तो वर्ड तब यूज होता है कि जब तुम डिबेंचर्स को शेयर्स पे कन्वर्ट कर रहे हो तब कन्वर्जन आता है। लिखना था कि कंपनी बोनस शेयर तब तक नहीं दे सकती जब तक एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड नहीं हो जाते, अगर है तो, अगर कन्वर्जन डाल दिए, लेना ना देना, कॉमा के बाद कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं। मैंने कहा उस हिसाब से 2 मार्क्स तो बराबर दिया है, बहुत सारी बीच में ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, मैंने कहा बराबर 2 मार्क्स दिए, एकदम बराबर अप्रोप्रिएट है। तो पॉइंट ये है, अपने को ऐसे लगता है भाई साहब कि अपन ने सब लिखा, अच्छे से लिखा, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस है कि अपन पढ़े में, बट लिखे क्या है वो तुमको सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने के बाद ही पता चलेगा, समझ पा रहे हो। हाँ मैं कहता हूँ एक आध मार्क्स वो एक्स्ट्रा काटा होगा, बट इतना रिजिड नहीं होगा कि तुमने 96 का करेक्ट किया और तुमको 40 दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने को प्रेजेंटेशन में तकलीफ आती है, वो चीज अपन यहाँ पे सुधारने वाले हैं। क्लैरिटी है। लास्ट, द की टू सक्सेस इन लॉ एग्जामिनेशन इज, खत्म, बरोबर है। आंसर लिखेंगे जो मैं आपको बताया था 54 और ये वाला, और पेज नंबर 6 है ऑफ चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे है, ठीक है। अब जब भी आप आंसर लिखते हो, कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट पहले से बैठा होगा तो उसको उसके बाद पता होगी, नहीं बैठा है तो वैसे भी मैं स्क्रैच से ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ये लेना देना नहीं कि तुम डायरेक्ट से आए हो फाउंडेशन से आए हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम मेरे लिए पूरे पूरे फ्रेश हो, नन्हे मुन्ने, बरोबर है क्या। कभी भी जब आप आंसर लिखते हो मेरा पहला चीज़ ये होती है कि आपको अथॉरिटी क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? अथॉरिटी क्रिएट करने का मतलब ये होता है, आपको समझ में आ गया कि ये कोरम का सेक्शन है, तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप एक हेडिंग से शुरुआत करोगे, कोरम फॉर मीटिंग्स, बिग ब्रैकेट में लिखोगे सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर वहां पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप सिर्फ आंसर लिखोगे कोरम फॉर द मीटिंग, और आप पहले पॉइंट से शुरू करोगे एज पर सेक्शन 103 एक का बी, अपन सीधा प्राइवेट कंपनी के बारे से लिखेंगे ना, पूरा क्यों लिखेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए कोरम फॉर द मीटिंग। कोरम फॉर द मीटिंग को मैं क्यों बोल रहा हूं कि अथॉरिटी क्रिएट हो रहा है। अथॉरिटी मतलब जब चेकर चेक करेगा उसको पहले ही आ जाएगा, ले भाई पहले ही बता दिया कि मैं क्या लिखने वाला हूं, बरोबर है क्या। कोरम फॉर द मीटिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 1, डालेंगे क्या पॉइंट नंबर 1, क्या 103 एक के ए का कोई रेफरेंस आएगा? नहीं। तो आप सीधा क्या लिखोगे, एस पर सेक्शन, अरे बोलो ना, एस पर सेक्शन 103 एक का बी, ऐसे ही लिखोगे ना, ऑफ
द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज का सी कैपिटल रहेगा, एक्ट का ए कैपिटल रहेगा, कॉमा करके 2013, बरोबर है एवरीबॉडी? ये थोड़ा ब्लर ब्लर ज्यादा हो रहा है यार, इसका ऑटो ब्लर बंद करना पड़ेगा। हाँ ना भाई, बरोबर है, अब नहीं होगा बेटा ब्लर। हाँ ठीक है, एस पर सेक्शन क्या बोला मैं, 103(1)(b) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बरोबर है क्या? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी लिखेंगे, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कॉमा, टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग, टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग, बरोबर है? जस्ट इन केस आपको ऐसा है कि सर वो आर्टिकल का भी प्रोविजन लिखना है, तो आर्टिकल का प्रोविजन आप राजा तब लिखोगे जब यहां पे आर्टिकल में ज्यादा नंबर दिए होते, अभी दिए नहीं तो अपने को प्रोविजन लिखने की जरूरत, बरोबर है क्या? सेकंड पॉइंट, इन द इंस्टेंट केस नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग 54 मेंबर्स, इन द इंस्टेंट केस कॉमा नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, कोई बात नहीं बेटा, इन द इंस्टेंट केस कॉमा नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग कितने, 54 मेंबर्स, एंड 28 मेंबर्स वर प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम, एंड 28 मेंबर्स वर प्रेजेंट, अरे वर प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, कहां से? फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम, बरोबर है? ऑल दो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि है, बट जस्ट मैं कंक्लूजन में देना चाहता हूं, एकदम छोटा हो जाएगा इसलिए एक लाइन का मैंने फैक्ट दे दिया, बरोबर है क्या? ठीक, तो तीसरा पॉइंट, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस, पॉइंट नंबर वन में प्रोविजन हो गया, सेकेंड में फैक्ट हो गए, सो इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस, कॉमा करके लिखेंगे नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इज इन कंप्लायंस विथ सेक्शन 103(b), इज इन कंप्लायंस विथ सेक्शन 103(b), एंड देर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन्स ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक, फुल स्टॉप करके, हेंस द मीटिंग टुक प्लेस वैलिडली, हेंस द मीटिंग टुक प्लेस वैलिडली, अल्टीमेटली यही पूछा है ना कि वेदर द मीटिंग टुक प्लेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, हाँ तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो तो मीटिंग टुक प्लेस वैलिडली, बरूबर है? अप्रोच समझ में आ रही है? सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है तो मैं बता देता हूँ, सर ये सब ये 103 एक बी ये सब याद करना जरूरी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आगे भी बोलते जाऊँगा, आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है, ये तो मैं क्लॉज सब क्लॉज इसलिए बताता हूँ कि पढ़ने में मज़ा कितना आ रहा है, आपको एक एक पता है ए में क्या लिखा है बी में क्या लिखा है, सर क्लैरिटी आती है, सर रूट्स पकड़ पे आते, बट जस्ट इन केस क्योंकि और भी सारे पेपर हैं भाई, कभी कभी चीज़ें याद नहीं आती, बट सेक्शन याद आएगा ये मेरी गारंटी है, अंदर की चीज़ें याद आए ना आए तो उस पर परेशान मत होना कि सर मान लो कल अपने को क्लॉज सब क्लॉज ये याद नहीं आता तो तकलीफ है क्या, नहीं, सेक्शन अगर याद है वो मोर देन इनफ है, क्लैरिटी है यहाँ तक? अप्रोच समझ में आ रही है कि कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है? पूरी की पूरी क्लास स्टार्ट से लेके एंड तक इसी प्रकार की चलेगी,
आज हमने सिलेबस को कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा बहुत इंट्रो दिया कि कौन सी बुक से पढ़ना है, आपको क्या लाना है, कितने पेजेस की कॉपी लानी है वगैरह वगैरह, और सही तरीका समझा लॉ का। क्या आपको भी ये सही लगा? ऑनेस्टली, ऐसे नहीं कि मैं थोप रहा हूँ आपके ऊपर और आपको आपको ऐसा बैठा कि हाँ यार वाकई मज़ा है। पहले बेयर एक्ट ऐसे टुकड़ों पर रेफरेंस लिए, तोड़े ताड़े, फिर फिल किए, अब अंदर की पूरी डिटेल अपने आप याद आ गई है, घुसने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपको वो बेयर एक्ट का जो पढ़ाया हूँ नहीं भी पढ़ाऊँ तो आपको पता है अंदर वही है भाई, देख तो लिए ऊपर ऊपर, बच्चा क्या। तो आपको पूरी की पूरी क्लास ऐसी मिलेगी, कोई भी क्लास ऐसी नहीं है कि मैं हाँ बेटा नोट्स है पेज नंबर 7 यस एग्जाम्पल ओके डन, नहीं, सब खोल खाल के नोट्स बनवा के यहीं पे होगा। अब अगर आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर चार्ट भी वही है, आपके शॉर्ट नोट्स भी वही है, आपके कीवर्ड्स भी वही है, आपने आंसर वहीं लिख लिया है, क्लैरिटी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे अपन अपनी क्लास को पूर्ण विराम लगाते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे 8 बजे। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाइए, जब आप क्लास पे आते हो 8 बजे तो थोड़ा सा डीले होता है, कोई 8:05 में आ रहा है, कोई 8:10 पे आ रहा है। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है, पिछली क्लास में भी, आपकी इफेक्टिवली 90 दिन क्लास चलेगी। दिवाली की छुट्टी हटा दो, 15 अगस्त हटा दो, टेस्ट हटा दो, तो क्लास वाला जो पोर्शन है वो 90 दिन चलता है मोटा मोटा, बराबर। 90 दिन की क्लास में मुझे पिछली क्लास पे भी याद है 80 से लेके 82-83 क्लास तक हम पूरा टाइम पे ही शुरू किए हैं, टाइम पे शुरू करते हैं और टाइम पे ख़त्म करते हैं। तो मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि 8:00 बजे में क्लास शुरू कर दूँ, 10:15 बजे आपकी क्लास ख़त्म कर दूँ। समटाइम्स अधर पे कुछ चीज़ें लटक जाती हैं तो मैं 10-15 मिनट आपसे रिक्वेस्ट करके लेता हूँ और आप खुशी खुशी देंगे भी, क्योंकि वो कंसेप्ट में मज़े चलते रहते हैं। बट कोशिश करिए कि 8 बजे आए, यदि 8 बजे नहीं आ पाते तो जो पहले आ रहे हैं कृपा करें आप सामने बैठे, ताकि जो पीछे आते रहे वो पीछे बैठते रहे, क्योंकि आप अगर पीछे बैठते हैं पीछे वाला आता है कहाँ, आगे। और गलती से लास्ट में आने वाली अगर लड़की है तो पूरा बेंच तक आप छोड़ के आते हो उसको, बरोबर है। तो प्रयास करिएगा कि जो पहले आ रहा है पहले बैठिए, जो बाद में आ रहा हो पीछे पीछे बैठते जाइए, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी मेरे को कोई कंसेप्ट चल रहा है डिस्टर्ब ना हो, कभी रोकना भी पड़ता है, भाई 10 मिनट आप रुक जाओ, एक बार कंसेप्ट हो जाए, डिस्टर्बेंस ना हो, फिर आ जाना, आप बैकअप में देखना भले। तो टाइम पे आओगे तो सबका भला रहेगा, मेरा भी, आपका भी और सबका भी, क्लियर है। किसी को कुछ डाउट आज की क्लास के संबंध में, बरोबर है? अरे हाय, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए आप लोग। सर, व्हाट इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ स्मॉलर नंबर? बेटा स्मॉलर आर्टिकल प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, एक्ट के अगेंस्ट आर्टिकल जा ही नहीं सकता मेरे भाई जीवन जोशी जी। अगर एक्ट ने अथॉरिटी लार्जर नंबर के लिए दी है तो स्मॉलर आप प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, आप कर रहे हो तो आपके आर्टिकल का वो क्लॉज वॉइड है। यस, वेलकम निहारिका जी, बाय कार्तिक जी, प्राची जी, बहुत मजा आया सर क्लास में, थैंक यू सो मच प्राची जी। यस, थैंक यू बानी जी, थैंक यू सर, ब्लर वाला इशू सही करवा देते, बिल्कुल करवा देंगे, थैंक यू सर, द अप्रोच वॉज सुपर्ब। एक सेकंड भाई, आपके कमेंट रह ना जाए, शुक्रिया सबको देख रहा हूँ। यस विनीत जी, लव यू टू, बाय सर, आपका एक्सपीरियंस एकदम टाइम पर ख़त्म, शुक्रिया, मज़ा आ गया सर जी, शुक्रिया सर। नोट्स ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा? हाँ, ये वाला भी नोट्स करवा दूंगा, ये जो थोड़ा ना नोट्स आज जो स्क्रीन पे दिखाया वो ड्राइव पे भी डाल दूंगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी सारे नोट्स तो बेटा हार्ड कॉपी में आ ही जाएंगे, बहुत मज़ा आया, अश्मित जी कह रही है जी, आइए बताइए, सब ने डाल दिया इसमें, गर्ल्स का भी इसी में, ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, आर्यन जी कह रहे थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से फाउंडेशन क्लियर हुआ। बेटा तेरी मेहनत की वजह से क्लियर हुआ, मेरी तो सिर्फ मेंटरशिप थी। सर्कल ऐप में मिलते हैं? नहीं बेटा, आप हाँ ऐप में भी मिलो, आपकी मर्जी है, 5 दिन तक की क्लास डेमो में रहेगी। सर एक बार जूम क्लास होगी या नहीं होगी? होगी बेटा, होगी। सर ऐप पर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? ऐप पर बेटा मैं साइमल्टेनियसली कल भी शुरू करवा देता हूँ, बट मोटा मोटा 5 दिन के बाद अपनी क्लासेस ऐप पर रहेगी। मज़ा आ गया सर जी, शुक्रिया सर। बुक मिल गई थी 5 अगस्त को, बहुत बढ़िया बेटा। सर सीए फाउंडेशन सितंबर 24 का मैराथन लाइव होंगे क्या? कोशिश करूंगा बेटा उनका, क्योंकि अभी स्पेशल सितंबर बैच भी है। यस सर, सच में ऐसा लगा ही नहीं कि हमें सब नॉलेज है, ऐसा लगा कि हमें सब नॉलेज है,
नींद में भी फिक्स हो गया है, हेलीकॉप्टर चार्ट एंड सेक्शन और कॉन्फिडेंस आता है बेयर एक्ट के रेफरेंस से। बहुत बढ़िया अश्विन जी, बहुत बढ़िया। जूम क्लास होगा बेटा, जूम क्लास होगा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस स्लो करवाना। जी सर, मैं बेटा घर आके एक बार हाथ से लिखवा दूंगा। कंसेप्ट एंड आंसर प्रैक्टिस के लिए अलग कॉपी बनानी पड़ेगी। देख बेटा, ऐसे कुछ अलग कॉपी बनाने वाला सीन नहीं है, मतलब वो एक प्रकार का एक वो है दिमाग में, मिथ है कि अलग बनाओ करके, बस बना लो। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो मतलब दो अलग ही रखो, ज़्यादा बेहतर है। कंसेप्ट और आंसर के लिए अलग बनाओ। कोई इशू नहीं होगा हर्ष जी, कोई इशू नहीं होगा। सर कल से ऐप पर होगी ताकि डेमो के साथ ऐप के प्रोसेस से भी यूज्ड हो जाऊंगा। बिल्कुल कल से करवा देते हैं ऐप में भी, ताकि आप यूज्ड हो जाओ। टैक्स के लिए कोई सी टीचर सजेस्ट कर दो। बेटा पुणे में दो टीचर है, दोनों ही अच्छे, दोनों में से किसी से भी आप लगवा सकते हो। सर फाउंडेशन में लॉ लिखते टाइम एग्जाम में आप ही याद आ रहे थे, मजा आ गया था। शुक्रिया राहुल जी, टाइफन जी शुक्रिया। डाउट्स के लिए सर कहाँ हैंडल होगा? टेलीग्राम में बेटा, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, एक बार उस पर सब ऐड हो जाए, वो टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, वहाँ से अपन डाउट सपोर्ट करेंगे। सर सीए फाउंडेशन सितंबर 24 राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई तो कैसे करेंगे? बेटा राइटिंग प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड करवा के रखी, वहाँ से हो जाएगा। जी शुक्रिया आर्यन जी शुक्रिया, ठीक है। चलिए कंक्लूड करूँ क्लास, आपकी इजाज़त हो तो, आपकी इजाज़त हो तो क्लास को कंक्लूड करूँ दोस्तों। आपके अगर इजाज़त हो क्लास कंक्लूड करूँ। सर कल भी होगी ना क्लास? बेटा रोज़ होगी ना क्लास, तो 5 दिन यूट्यूब पे होगी, बट मैं कोशिश करता हूँ साइमल्टेनियसली मैं ऐप में भी शुरू करवा देता हूँ। सर ड्राइव में वीडियो कब तक अपलोड हो जाते हैं? 24 घंटे के अंदर बेटा, हम बोलते हैं 24 घंटे लेकिन शाम तक हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल राघव जी सब लिखवा के लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पब्लिक नहीं होगा बेटा, जितने लोग इनरोल किए उनके लिए रहेगा। यस बाय बाय बाय, ठीक है बेटा। ऑफिस में कॉल कर ऋषभ इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर। चलिए कंक्लूड करता हूँ क्लास को, टेक केयर, बाय बाय।